डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं बालाजी मित्र आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम प्लांट वाटर रिलेशन इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हमारा टॉपिक नंबर 6 है स्टूडेंट। अब देखो, यहां पर इसी टॉपिक से हमें बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद महाराष्ट्र सीईटी के लिए भी क्वेश्चन इसी टॉपिक से आने वाले स्टूडेंट, और नीट एग्जाम के लिए भी क्वेश्चन इसी टॉपिक से आते हैं। तो यदि इसका मतलब हो गया टॉपिक का वेटेज बहुत अच्छा है, जो बोर्ड एग्जाम में हम 3-4 मार्क्स का प्रिपरेशन करने वाले हैं, उसके बाद सीईटी के लिए हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करना है इसी टॉपिक से, और नीट के अंदर भी हमें इसी टॉपिक से एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसका मतलब हो गया टॉपिक का वेटेज थोड़ा अच्छा दे वाला है। तो टॉपिक की शुरुआत करते हैं। इस टॉपिक के अंदर हमें प्लांट और वाटर इन्हीं का रिलेशन दिया है, मीन्स प्लांट को वाटर की रिक्वायरमेंट किस प्रकार से होती है, यही हमें इस टॉपिक के अंदर देखना है। प्लांट वाटर का यूटिलाइजेशन किस प्रकार से करते हैं, वाटर की हेल्प से प्लांट डेवलपमेंट ग्रोथ किस प्रकार से कर सकते हैं, इन सभी क्वेश्चन का आंसर हमें इसी टॉपिक के अंदर मिलने वाला है। तो चलो टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखो स्टूडेंट, टॉपिक के बारे में हमने सीधा सीधा बताया कि प्लांट जो भी है वो प्लांट वराइटी ऑफ सब्सटेंस ऑब्टेन करता है, वराइटी ऑफ सब्सटेंस प्लांट को मिलते हैं सॉइल से, तो उसी के बेसिस पर प्लांट को जो जो रिक्वायरमेंट है उन्हीं रिक्वायरमेंट के अंदर वाटर सबसे फर्स्ट वाली रिक्वायरमेंट है प्लांट की। उसके बाद मिनरल्स होना जरूरी है प्लांट के लिए, मिनरल के बाद न्यूट्रिएंट्स है, फूड है, और गैसेस का इम्पोर्टेंस भी वहाँ पर ज़्यादा है। तो प्लांट के अंदर जितने सारे रिक्वायरमेंट है उन्हीं रिक्वायरमेंट में सबसे फर्स्ट हम वाटर के बारे में सोचते हैं, यानी कि वाटर का इम्पोर्टेंस वहाँ पर हमको बहुत ज़्यादा दिए वाला है। उसके बाद जो गैसेस है, गैसेस के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है स्टूडेंट। हमें पता है कि हमारे सराउंडिंग में जितने भी प्लांट्स है उन सभी प्लांट को अगर वाटर नहीं मिला तो प्लांट अफेक्टेड होने के चांसेस होते हैं। इसका मतलब हो गया कि प्लांट को वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। उसके बाद वाटर इज कंसिडर्ड एज अ एलिक्सर ऑफ लाइफ, मीन्स वाटर को एलिक्सर ऑफ लाइफ कहा है। एलिक्सर ऑफ लाइफ हम वाटर को क्यों कहते हैं, क्योंकि वाटर की वजह से ऑल एक्टिविटीज प्लांट के अंदर कंप्लीट होते हैं। इनमें से कौन सी एक्टिविटीज जो है वो अगर नहीं हो रही है प्लांट के अंदर, तो उसी के पास वाटर की डिफिशियंसी हो गई, ऐसा हम बता सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बात यहाँ पर हमारे समझ में आती है। उसके बाद देखो, ऑलमोस्ट प्लांट के अंदर 90-95% वाटर होता है स्टूडेंट, और इतना वाटर रहने की वजह से प्लांट और सेल, जो भी है प्लांट के सेल और टिश्यू, इन्हीं को भी वाटर का रिक्वायरमेंट है, और उन्हीं के अंदर भी हमें 90-95% तक वाटर होना जरूरी होता है। उसके बाद वाटर हेल्प्स द सेल टू मेंटेन टर्जिडिटी एंड सेप। अभी जो सेल का सेप है, जो टर्जिडिटी है, वो मेंटेन करने का वर्क वाटर का है सेल के अंदर। ठीक है, उसके बाद इट शो ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ड्यू टू विच इट हैज अ ग्रेटर बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। अब वाटर के कुछ प्रॉपर्टीज दिए हैं, और उन्हीं प्रॉपर्टीज के बारे में हम सोचेंगे तो हमें वाटर का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा ही पता चलता है। ठीक है, अब देखो वाटर के प्रॉपर्टीज कौन से स्टूडेंट, वाटर के प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी जो हमें दी है वाटर की, वो हम यहाँ पर पैराग्राफ के अंदर हम देखेंगे। तो इट इज इन द लिक्विड फॉर्म, क्या है वाटर लिक्विड फॉर्म के अंदर है। उसके बाद रूम टेम्परेचर को वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, मीन्स इट इज इन द लिक्विड फॉर्म एट अ रूम टेम्परेचर। जो रूम टेम्परेचर रहेगा, जो रूम टेम्परेचर हम बता सकते हैं नियर अबाउट टू द 37 डिग्री सेल्सियस, मीन्स इसके आसपास जो टेम्परेचर रहेगा उसे हम रूम टेम्परेचर बता सकते हैं। तो ये जो रूम टेम्परेचर है, यही रूम टेम्परेचर को वाटर लिक्विड फॉर्म में मिलता है। देन इट इज द बेस्ट सॉल्वेंट फॉर मोस्ट ऑफ द सॉल्यूट्स, कौन से सॉल्यूट के लिए एक प्रकार का सॉल्वेंट है स्टूडेंट, और इसी सॉल्वेंट का नेचर एम्फोटेरिक है, यह हमें बाद में पता ही चलने वाला है। इट इज इनर्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड विथ न्यूट्रल पीएच एंड फेन इन द प्योर फॉर्म। अब देखो यहाँ पर सिंपल सी बात कही हमको, जो वाटर है उसका पीएच न्यूट्रल होता है, और जब ये पीएच न्यूट्रल रहेगा तो वाटर प्योर फॉर्म में रहेगा, और वाटर जो बना है वो टोटल इनऑर्गेनिक कंपाउंड है स्टूडेंट। इनऑर्गेनिक कंपाउंड मीन्स यहाँ पर कार्बन का प्रेजेंटेशन नहीं है, इसलिए हम उसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है कि वाटर जो है वो ट्रांसपोर्टिंग को हेल्प करता है। अब ट्रांसपोर्टिंग को हेल्प करता है मीन्स प्लांट के अंदर जितने भी मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स आते हैं तो उन्हीं न्यूट्रिएंट को डिसॉल्व करता है वाटर, फूड मॉलिक्यूल को डिसॉल्व करता है,
और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है, तो उसे हम ट्रांसपोर्टिंग कैरेक्टर भी कह सकते हैं। उसके बाद इट इज द बेस्ट एक्यूस मीडियम फॉर ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस। अभी प्लांट के अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शंस चलते हैं, उन सभी बायोकेमिकल रिएक्शंस को सपोर्ट करने के लिए और वो रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए हम वाटर का इम्पोर्टेंस देखते हैं, और वाटर वहाँ पर हेल्प करता है इन सभी रिएक्शंस को। इसलिए वहाँ पर जो मीडियम है उसे एक्यूस मीडियम हम कहेंगे, जो वाटर की हेल्प से क्रिएट होता है। जो बायोकेमिकल रिएक्शंस है वो भी सेल के अंदर वाटर की हेल्प से ही कंप्लीट होती है फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखो, इट इज एन इसेंशियल रॉ मटेरियल। अब ये क्या है, तो ये इसेंशियल रॉ मटेरियल है फॉर अ फोटोसिंथेसिस। सिंपल सी बात है, प्लांट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस चलता है, तो उसी फोटोसिंथेसिस के लिए हम सबको पता है प्लांट को रिक्वायरमेंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, और उसके साथ वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी है स्टूडेंट। अब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की रिक्वायरमेंट है, तो वाटर क्या है, ये रॉ मटेरियल है, और इसी की वजह से प्रोड्यूस होने वाला जो प्रोडक्ट है वो ग्लूकोज होता है, जिसे हम C6H12O6 कह सकते हैं, और ऑक्सीजन वहाँ पर तो लिबरेट हो जाएगा गैसेस के फॉर्म में। तो इस तरह से रॉ मटेरियल के तौर पर वाटर वहाँ पर यूज होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर। देन वाटर हैज अ हाई स्पेसिफिक हीट, वाटर के पास स्पेसिफिक हीट होती है। देन हाई हीट ऑफ द वेपराइजेशन के लिए लगने वाली हीट भी वहाँ पर होती है। हाई हीट ऑफ द फ्यूजन की जो हीट है वो भी वाटर के पास होती है, और थर्मल बफर हीट जो है वो भी वाटर के पास होती है। दीज वेरियस प्रॉपर्टीज आर ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द वाटर एंड मॉलिकुल्स। मीन वाटर और मॉलिकुल्स के अंदर जो प्रॉपर्टीज डेवलप हो गई, ये वाटर मॉलिकुल्स के अंदर डेवलप होने वाली प्रॉपर्टी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है, ये हमें पता चलता है। अब इस प्रॉपर्टीज के अंदर हम याद क्या रखेंगे, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जो क्वेश्चन हमें 2 मार्क्स के लिए आने के चांसेस है। अब इसके अंदर क्या हम याद रखेंगे, सबसे फर्स्ट हम याद रखेंगे वाटर लिक्विड मीडियम है जो रूम टेम्परेचर को, उसके बाद वाटर बेस्ट सॉल्वेंट है सोल्यूट के लिए। देन स्टूडेंट, वाटर इनऑर्गेनिक मोलिकुल से बना है, इसलिए वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये हम थर्ड पॉइंट याद रखेंगे। वाटर का न्यूट्रल पीएच होता है, ये भी हम याद रखेंगे फोर्थ पॉइंट। उसके बाद वाटर के अंदर कैपेसिटी होती है ऑल टाइप ऑफ द मिनरल्स को डिसॉल्व करने के लिए, और उसकी वजह से मिनरल एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, यानी कि ट्रांसपोर्टिंग हो सकती है। ये वाटर के अंदर हमें कैरेक्टर्स दिए। देन वाटर फोटोसिंथेसिस का रॉ मटेरियल, ये भी कैरेक्टर हमें नहीं भूलना है। उसके बाद हाई स्पेसिफिक हीट होती है, हाई हीट ऑफ द वेपराइजेशन होती है, हाई हीट एट द फ्यूजन होती है, थर्मल बफर हीट भी उसके पास होती है। तो ये इतने सारे प्रॉपर्टीज में से हम कौन से 4 प्रॉपर्टीज वहाँ पर लिखने वाले हैं, जो 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। उसके बाद देखो, वाटर के बारे में और एक बात हमें यहाँ पता चलती है, वाटर जो मॉलिक्यूल है स्टूडेंट, इसी के अंदर एडहेसिव प्रॉपर्टी और कोहेसिव फोर्स का अट्रैक्शन होता है। एडहेसिव मीन्स क्या और कोहेसिव फोर्स का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पर देखो समझो, एक वाटर मॉलिक्यूल है जिसे हम H2O लिखेंगे, और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर है। अब यहाँ का वाटर मॉलिक्यूल इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, और यहाँ आने के बाद ये इसके साथ मिल जाएगा, तो ये वाटर वाटर का अट्रैक्शन बन गया, तो इसे हम कोहेसिव अट्रैक्शन कहेंगे। और जब वाटर मॉलिक्यूल अगर प्लांट के वॉल की तरफ चल रहा है, प्लांट के जिसे हम बार कहेंगे या फिर सेल वॉल कहेंगे, प्लांट के सेल वॉल की तरफ चल रहा है, तो सेल वॉल लिग्निन की होती है स्टूडेंट, तो लिग्निन की तरफ चल रहा है, तो जो अट्रैक्शन बन गया वो वाटर और लिग्निन के अंदर है। ये अट्रैक्शन म्यूचुअल मॉलिक्यूल का नहीं है, ये नॉन म्यूचुअल मॉलिक्यूल है, इसलिए हम इसे एडहेसिव कहेंगे, ठीक है। तो एडहेसिव अट्रैक्शन वहाँ पर होता है, तो ये प्रॉपर्टी वाटर के अंदर होती है। अब ये प्रॉपर्टी क्यों आती है वाटर के अंदर, तो सरफेस टेंशन से आती है। सरफेस टेंशन का मतलब आपको अच्छी तरह से पता है, सरफेस टेंशन से ये प्रॉपर्टी वहाँ पर आती है। उसके बाद वाटर जो है वो रूट के अंदर कैपिलरीज फोर्स डेवलप करते हैं, स्टेम के अंदर कैपिलरीज फोर्स डेवलप करते हैं, और उसकी वजह से वाटर एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकता है। देन इट इज देयरफॉर अ सिग्निफिकेंट मॉलिक्यूल दैट कनेक्ट्स अ फिजिकल वर्ल्ड विद अ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। अब यहाँ पर देखो, जो वाटर मॉलिक्यूल है इसी के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी हमें दिखाई दे रही है, जैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसी के अंदर, कोहेसिव फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, और इसकी वजह से बायोलॉजिकल रिएक्शन कंप्लीट होती है। इसलिए हम बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए वाटर के फिजिकल प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। तो ये प्लांट के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो वाटर के बारे में हमने देखी है। तो अभी इसी पॉइंट से हमें सिर्फ याद रखना है स्टूडेंट यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। अब यहाँ पर याद रखेंगे कोहेसिव फोर्स क्या होता है, एडहेसिव फोर्स क्या होता है, इसके बारे में भी हमने अच्छी तरह से डिस्कशन किया है। अब चलते हैं वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन्स।
अभी प्लांट के बारे में अगर हम सोच रहे हैं तो प्लांट के अंदर कौन से वाटर एब्सॉर्बिंग ऑर्गन्स होते हैं, उसके अंदर सबसे फर्स्ट वाला ऑर्गन जो है जो वाटर को एब्सॉर्ब करता है वो सॉइल से रिलेटेड है, उसे हम रूट कहेंगे। तो रूट जो है वो वाटर एब्सॉर्बिंग ऑर्गन है स्टूडेंट, ठीक है। अब वाटर एब्सॉर्बिंग ऑर्गन रूट है तो रूट यही रिस्पॉन्सिबल है वाटर को कंडक्ट करने के लिए और ट्रांसपोर्ट करने के लिए। अब यहाँ पर वाटर का एब्जॉर्प्शन तो चलता है लेकिन उसके साथ मिनरल का एब्जॉर्प्शन भी चलता है रूट की वजह से। देन ऑल टाइप्स ऑफ द टेरेस्ट्रियल प्लांट हम देखेंगे तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो है वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और जो वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है वो लिक्विड के फॉर्म में होता है और आने वाला वाटर सॉइल से आता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कुछ ऐसे प्लांट्स है जैसा कि एपीफाइटिक प्लांट्स हम देखेंगे, उसके अंदर एग्जांपल ऑर्किड्स का दिए वाला है हमको, वो वाटर वेपर एब्जॉर्ब करते हैं और वाटर वेपर एब्जॉर्ब करते हैं तो वो कहाँ से करेगी, एयर से करेगी। ज़्यादातर हम सबको पता है कि वाटर का एब्जॉर्प्शन जो चलता है रूट से वो सीधा चलता है सॉइल से। अब सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब होता है तो लिक्विड फॉर्म में होता है क्योंकि उसके अंदर मिनरल डिसॉल्व होने वाले होते हैं। अब ये दोनों बातें हमें पता है लेकिन जो एपीफाइटिक प्लांट्स होते हैं जैसा कि एग्जांपल अभी ऑर्किड के बारे में हमने देखा जो सीईटी को पूछने का चांस होता है ऑर्किड के बारे में, तो ऑर्किड का जो एग्जाम्पल स्टूडेंट, तो ये ऑर्किड वाटर एब्जॉर्ब करता है लेकिन वेपर के फॉर्म में करता है। अब कहाँ से वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो वो एयर के अंदर से करेगा, ठीक है। तो उसी प्लांट के पास एपीफाइटिक रूट्स होते हैं और ये एपीफाइटिक रूट जो है वो स्पेशल टिश्यू से बने हुए हैं, उसे हम वेलमन टिश्यू कहेंगे। ये हमें याद रखना है, एपीफाइटिक प्लांट्स के अंदर या फिर एपीफाइटिक रूट्स के अंदर वेलमन टिश्यू होते हैं जो टिश्यू स्पेशल टाइप्स ऑफ द वेपर फॉर्म का वाटर एब्सॉर्ब कर सकते हैं, ये कैपेसिटी है उन्हीं टिश्यू की, ठीक है। उसके बाद टिपिकल रूट के बारे में अगर हम सोचेंगे तो टिपिकल रूट को हम फोर डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, फोर डिफरेंट रीजन्स है टिपिकल रूट्स के अंदर। तो देखते हैं कौन से रीजन्स वहाँ पर हमको दिए है। अब यहाँ पर जो रीजन दिए उसे हम जोन कहेंगे स्टूडेंट, और जोन के अलग अलग पार्ट दिए वाले। सबसे फर्स्ट हम जब इसके बारे में सोचेंगे तो हमें पता चलता है रूट्स को फोर पार्ट में डिफरेंट किया है, उसमें से सबसे फर्स्ट वाला जो जोन है उसे हम एब्जॉर्प्शन जोन भी या फिर मैच्यूरेशन जोन कहेंगे, जहां पर ऑल टाइप ऑफ द सेल्स मैच्योर होते हैं वो मैच्यूरेशन जोन बन गया। उसके बाद रूट हेयर का जो रीजन है वो रूट हेयर रीजन है, यहाँ पर भी वाटर का एब्जॉर्प्शन चलता है, इसे भी एब्जॉर्प्शन जोन हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम दो पार्ट बना सकते हैं यही पॉइंट के, एक मैच्यूरेशन जोन हो गया, दूसरा एब्जॉर्प्शन जोन हो गया। अब एब्जॉर्प्शन जोन के पास रूट हेयर्स है इसलिए वहाँ पर वाटर एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट होता है, इसलिए उसी जोन को हम वाटर एब्जॉर्प्शन जोन या फिर रीजन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब वहाँ पर देखो यूनिसेलर रूट हेयर दिखाई देते हैं, देन जोन ऑफ इलोंगेशन मिलता है जो थर्ड पार्ट है। अब जोन ऑफ इलोंगेशन क्या है स्टूडेंट, जोन ऑफ इलोंगेशन यानी कि यहाँ पर जो भी सेल प्रेजेंट है पूरी तरह से इलोंगेटेड सेल्स है और इसकी वजह से रूट की लेंथ बढ़ती है, ये हमें याद रखना है। अब रूट की लेंथ बढ़ रही है तो आगे वाले पोर्शन में मेरिस्टमैटिक रीजन दिए वाला है, जो मेरिस्टमैटिक रीजन मेरिस्टमैटिक सेल बताता है और इन्हीं सेल के अंदर कैपेसिटी होती है स्टूडेंट डिवीजन की, इसलिए रूट की ग्रोथ हो सकती है, ठीक है। अब रूट की ग्रोथ हो रही है और आगे वाला जो पार्ट है वो तो रूट कैप का पोर्शन है, रूट कैप जो प्रोटेक्टिव नेचर का है जिसके अंदर कैपेसिटी है सॉइल को पेनिट्रेट करने की, यानी कि रूट की जो ग्रोथ होती है वो हाइड्रो ट्रॉपिक नेचर की है जिसे हम जियोट्रॉपिक भी कह सकते हैं, यानी कि रूट की ग्रोथ ए अर्थ के बेसिस पर होती है और अर्थ की तरफ होती है, तो इसलिए वहाँ पर सीधा जो रूट कैप रीजन दिया है उसी के अंदर कैपेसिटी है पेनिट्रेशन करने की। अब रूट कैप क्या कर सकती है, तो रूट कैप सॉइल को पेनिट्रेट करने के बाद सीधा अंदर चलती है सॉइल के अंदर। अब सॉइल के अंदर चलने के बाद जो रूट कैप है उसके अंदर हार्ड नेचर है और रूट कैप कैलिप्ट्रोजन से बनी हुई है, कैलिप्ट्रोजन ये हमें याद रखना है सीटी के लिए, कैलिप्ट्रोजन यानी कि उसे हम कैलिप्ट्रा कहेंगे, ये हमें याद रखना है स्टूडेंट कैलिप्ट्रा, ठीक है। तो सीटी के अंदर या फिर नीट को भी इसी के ऊपर क्वेश्चन आया था और आने के चांसेस भी होते हैं, तो ये हमें डिफरेंट फोर रीजन दिखाई देते। फिर से एक बार देखो जो मैच्यूरेशन जोन है उसी के अंदर पूरे मैच्योर सेल्स है वो कंडक्टिंग का वर्क करते हैं, रूट हेयर जोन के अंदर ज़्यादातर रूट के हेयर्स होते हैं और जो वाटर एब्जॉर्प्शन को सपोर्ट करते हैं वहाँ से वाटर एब्जॉर्प्शन ज़्यादातर चलता है। उसके बाद रूट हेयर यूनिसेलुलर है स्टूडेंट, यूनिसेलुलर रहने की वजह से आउटग्रोथ है रूट हेयर की, और जो जोन ऑफ इलोंगेशन है वहाँ पर सेल इलोंगेट हो गए हैं इसलिए
जो लेंथ है रूट की वो बड़े वाली है और बढ़ती है। मेरिस्टमेटिक सेल डिवाइड होते हैं, उसकी वजह से मल्टीपल सेल डिवीजन होने की वजह से रूट की ग्रोथ होने के लिए सपोर्ट करते हैं, और रूट कैप जो कैलिप्टरा से बनी है जो सॉइल को पेनिट्रेट करने के लिए हेल्प करेंगे। अब यहाँ पर इतना होने के बाद, ये डायग्राम होने के बाद हमें स्ट्रक्चर दिया है रूट हेयर का। अब एक्चुअली रूट हेयर क्या है, तो मैंने अभी आपसे कहा है रूट हेयर यूनिसेलुलर है। रूट हेयर अगर यूनिसेलुलर है तो उसी के साथ वहाँ पर वाटर एब्जॉर्प्शन की एक्टिविटी बहुत अच्छी तरह से चलती है। अब यहाँ पर हम सीधा सीधा शुरुआत करते हैं। जो पार्ट दिया है, ये पार्ट हमें यहाँ पर जो दिया है वो रूट हेयर के सेल्स का दिया है, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर हम उसे कह सकते हैं। सबसे फर्स्ट यहाँ पर सेल वॉल दिखती है स्टूडेंट, जो आउटर लेयर है और प्रोटेक्टिव नेचर की है, प्रोटेक्टिव नेचर के, इसलिए प्रोटेक्शन का वर्क वहां पर चलेगा। उसके बाद देखो, प्रोटेक्शन का वर्क चलने के बाद हम थोड़ा अंदर आते हैं तो हमें सेल मेम्ब्रेन दिखाई देता है, जो सेल मेम्ब्रेन सेकंड कवरिंग है, सेकंड पार्ट है रूट हेयर का। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन जो है परमिएबल है, सेल वॉल थोड़ी हार्ड होती है और सेल मेम्ब्रेन थोड़ा थीन होता है। उसके बाद अंदर के साइड को हमें साइटोप्लाज्म दिखता है, जिस साइटोप्लाज्म के अंदर हमें डिफरेंट टाइप्स के कंटेंट दिखाई देते हैं, डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स दिखाई देते हैं, डिफरेंट टाइप्स के साइटोस्केलेटल भी वहाँ पर दिखाई देते हैं, और अंदर के साइड को हमें बिग वैक्यूल दिखता है स्टूडेंट, जो यहाँ से कंटिन्यू हुआ है यहाँ तक, जो बिग वैक्यूल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। और बाद में तो हमें रूट के सेल्स मिलते हैं, जो रूट एपिथेलियम सेल्स हम उसे कहेंगे। तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर वहाँ पर हो गया, वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के अरेंजमेंट भी है, न्यूक्लियस भी दिखाई देता है। तो यहाँ से यहाँ तक हमें एक सिंगल सेल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसलिए हम उसे यूनिसेलुलर कहेंगे, हो गया। ये स्ट्रक्चर ऑफ रूट के बारे में हम बता सकते हैं। अभी देखो, जो रूट का स्ट्रक्चर हो गया, तो रूट के स्ट्रक्चर के बाद हमें देखना है वाटर अवेलेबल टू द रूट फॉर एब्जॉर्प्शन। वाटर जो रूट के एब्जॉर्प्शन के लिए अवेलेबल होता है वो कौन सा वाटर होता है, वो हमें देखना है। फ्रेंड्स देखो, सॉइल के अंदर जो वाटर प्रेजेंट होता है वो पूरा वाटर सॉइल के अंदर प्रेजेंट रहने वाला प्लांट इजीली एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। तो प्लांट को उसी के लिए क्या करना पड़ता है, प्लांट को उसी के लिए स्पेशल टाइप्स ऑफ द वाटर मिलता है, जो वाटर्स अवेलेबल होता है सॉइल पार्टिकल्स के अंदर, और उन्हीं सॉइल पार्टिकल्स के अंदर प्रेजेंट रहने वाले वाटर को हम सीधा कैपिलरी वाटर कह सकते हैं, तो वो प्लांट के लिए अवेलेबल होता है। तो अब यहाँ पर इसी पॉइंट के अंदर हमें यही देखना है कि प्लांट कौन सा वाटर एब्सॉर्ब कर सकते हैं। तो प्लांट एब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम द राइजोस्फीयर, मींस प्लांट राइजोस्फीयर से वाटर एब्सॉर्ब करते हैं। राइजोस्फीयर क्या होता है, द माइक्रो एनवायरमेंट सराउंडिंग द रूट, रूट्स के अराउंड में जो माइक्रो एनवायरमेंट है उसे हम क्या कहेंगे, राइजोस्फीयर कहेंगे। अभी देखो, सिंपल सी बात है, ये रूट है स्टूडेंट। अब ये रूट्स के बाजू को यहाँ पर सॉइल पार्टिकल्स है, तो ये सॉइल पार्टिकल्स है तो इसके बाजू में जो वाटर प्रेजेंट रहेगा, जो एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो उसे हम राइजोस्फीयर कह सकते हैं, राइजोस्फीयर, ठीक है। तो ये राइजोस्फीयर बन गया। तो यहाँ पर जो वाटर है वो प्लांट के लिए अवेलेबल होता है। वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल ऑकर्स एज ए ग्रेविटेशनल और फ्री वाटर। जो वाटर सॉइल के अंदर है वो ग्रेविटेशनल वाटर है, उसे हम फ्री वाटर भी कह सकते हैं, और उसी नेचर को हम हाइग्रोस्कोपिक वाटर के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो वाटर है ये कंबाइंड वाटर है स्टूडेंट, क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के मिनरल हैं, जो मिक्स हुए वाले हैं, जो डिजॉल्व स्टेट में वहाँ पर पाए जाते हैं, और इसी वाटर को हम कैपिलरी वाटर के नाम से भी जानते हैं। अभी यहाँ पर इतने सारे वाटर्स दिए वाले हैं, वाटर के टाइप दिए हैं, तो उसी के बेसिस पर देखो, जो ग्रेविटेशनल वाटर है वो सॉइल के अंदर है, वो फ्री वाटर है। उसके बाद जो वाटर थोड़ा नीचे होता है उसे हम हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहेंगे। हाइग्रोस्कोपिक के बाद कुछ वाटर ऐसा भी होता है जिसके अंदर मिनरल डिजॉल्व होते हैं, उसे कंबाइंड वाटर कहेंगे। और सॉइल पार्टिकल्स के गैप के अंदर जो वाटर होता है, दोनों पार्टिकल इसके अंदर जो पार्टिकल्स के अंदर जो वाटर होता है, ये कैपिलरी वाटर होता है। तो इसी तरह से डिफरेंट टाइप्स हमें दिखाई देते हैं वाटर के। अब वाटर जो है वो परकोलेट्स होता है डीपली एंड ड्यू टू द ग्रेविटी, मीन्स वाटर जो है हमारे अर्थ के पास, यानी कि सॉइल के अंदर बहुत डीपली परकोलेट हुए वाला है, डीपली यानी कि अंदर तक वो गए वाला है, क्योंकि उसका नेचर ही वहाँ पर है, ग्रेविटेशनल वाटर को सपोर्ट, ग्रेविटेशनल नेचर है, इसलिए वो ग्रेविटी को सपोर्ट करता है और वाटर सीधा डीप तक जाता है, इसलिए डीप तक जाने वाले वाटर को हम ग्रेविटेशनल वाटर कहते हैं, ठीक है। देन ये जो वाटर है स्टूडेंट, ये प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि इसकी डेप्थ ज़्यादा होती है, इसलिए ये प्लांट को अवेलेबल नहीं होगा। उसके बाद फाइन सॉल्ट पार्टिकल जो दिए वाले हैं उसके अंदर इम्बाइम है,
एब्जॉर्ब वाटर एंड होल्ड इट, मीन्स जो भी भाई सॉइल पार्टिकल है तो उन्हीं सॉइल पार्टिकल की कैपेसिटी है वाटर को होल्ड करने की, और वाटर को होल्ड करते हैं तो वो इम्बाइब नेचर बताते हैं। इम्बाइब यानी कि इम्बिबिशन हम उसे बता सकते हैं, तो हम बाद में देखने वाले। तो इम्बाइब नेचर से वो सॉइल पार्टिकल वाटर को वहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद जो वाटर हम सॉइल पार्टिकल के अंदर देखते हैं जिसी के अंदर इम्बाइब कैपेसिटी होती है, और इम्बाइब कैपेसिटी की वजह से सॉइल उसी वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसे हाइग्रोस्कोपिक वाटर हम कहेंगे। देन रूट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब इट, अब रूट इसे भी एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, मीन्स इसका मतलब क्या होगा, ये भी रूट के लिए अवेलेबल नहीं है फ्रेंड्स। अब वाटर जो प्रेजेंट है स्टूडेंट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेट्स और ऑक्साइड्स ऑफ द सिलिकॉन एल्यूमिनियम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कंबाइंड वाटर, मीन्स जो वाटर सिलिकॉन और कंबाइंड फॉर्म में है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के ऑक्साइड्स प्रेजेंट है, तो ऐसे वाटर को कंबाइंड वाटर हम कहेंगे। ये भी वाटर प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं होता है, यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि जो ग्रेविटेशनल वाटर है, जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर है, ये सभी वाटर प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं है। अभी इतने वाटर प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा फ्रेंड, इन्हीं वाटर को लेकर हम जब सोचते हैं तो हमको सीधा सीधा पता चलता है कि प्लांट के लिए ये तीनों टाइप के वाटर अवेलेबल नहीं होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखो, प्लांट के लिए अगर ये तीनों वाटर अवेलेबल नहीं है तो प्लांट के लिए अवेलेबल रहने वाला वाटर कौन सा है। अब प्लांट के लिए अवेलेबल रहने वाला जो वाटर है वो सिंपल वाटर स्टूडेंट जिसके बारे में हम देखते हैं, तो वो है कैपिलरी वाटर। अब कैपिलरी वाटर का मतलब क्या होता है, कैपिलरी वाटर का जो मतलब दिया है वो मैंने अभी आपसे कहा है। जैसा देखो, सीधा सीधा यहाँ पर हमें कैपिलरी वाटर के बारे में बताया। अब इट इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल टू द प्लांट, मीन्स कंबाइंड वाटर प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। लेकिन कुछ वाटर के पार्टिकल्स ऐसे, कुछ वाटर ऐसा है जो वाटर सॉइल के पोर्स के अंदर होल्ड हो आता है, उसकी कैपेसिटी है होल्डिंग टू द सॉइल पार्टिकल्स। तो वो जो वाटर है वो वाटर सॉइल के दोनों पार्टिकल्स के अंदर प्रेजेंट रहने की वजह से उसी वाटर को हम कैपिलरी वाटर कहेंगे, और ये वाटर प्लांट के लिए अवेलेबल होता है और प्लांट उसे एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ये हम वहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात हमारे समझ में वहाँ पर आती है। अब उसके बाद देखो, प्लांट के लिए अवेलेबल होने वाला जो वाटर है वो वाटर कौन सा है, तो कैपिलरी वाटर है। अब इन तीनों फॉर्म को देखने के बाद हमको पता चलता है वाटर जो सॉइल पार्टिकल के अंदर प्रेजेंट है उसी वाटर को हम कैपिलरी वाटर कहेंगे, और यही कैपिलरी वाटर जो है वो प्लांट के लिए अवेलेबल होता है, प्लांट उसे एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी बात हमारे समझ में आती है। ठीक है, अब यहाँ पर तीनों टाइप्स के वाटर हमने देखे, एक ग्रेविटेशनल वाटर है जो डीपली परकोलेट हुए वाला है, जो प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर हम याद रखेंगे ग्रेविटेशनल वाटर। उसके बाद हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो है वो वाटर भी प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं होता है, जो वाटर सॉइल पार्टिकल इम्बाइब करते हैं तो वो वाटर प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं होगा, ये भी हमें याद रखना है। उसके बाद हमें रूट्स जो दिए हैं उन्हीं रूट्स के अंदर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है, तो रूट्स एब्जॉर्ब करने के लिए रूट्स के नज़दीक का जो एरिया है उसी एरिया से वाटर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रूट के अंदर होती है। लेकिन कंबाइंड स्टेट का वाटर ऐसा होता है कि जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड्स प्रेजेंट होते हैं, और ये ऑक्साइड्स प्रेजेंट रहने की वजह से ये वाटर भी एब्जॉर्ब नहीं होता है प्लांट के अंदर, ये हमको सीधा सीधा वहाँ पर बताया। उसके बाद कैपिलरीज वाटर हमें दिया है स्टूडेंट, कैपिलरीज वाटर के अंदर हम क्या बता सकते हैं, तो कैपिलरी वाटर जो है वही वाटर सॉइल पार्टिकल के अंदर प्रेजेंट होता है और वो प्लांट इजीली एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैपिलरीज वाटर के बारे में। देन हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, चलो वाटर बाय रूट्स फ्रॉम द सॉइल, मीन्स जो सॉइल के अंदर वाटर स्टूडेंट उसे अभी एब्जॉर्ब भी तो करना है, तो चलो यही हमें इसी पॉइंट के अंदर देखना है। अब वाटर जो रूट एब्जॉर्ब करते हैं तो उसी वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए हमें डिफरेंट टाइप्स के फिजिकल प्रोसेसेस वहाँ पर दिखाई देते हैं। अब जो फिजिकल प्रोसेसेस वहाँ पर दिखाई दे रहे हो तो उन्हीं प्रोसेस के अंदर सबसे फर्स्ट वाली जो प्रोसेस हमें दी है स्टूडेंट, तो वो प्रोसेस कौन सी है और वो प्रोसेस क्या है वो हमें डिटेल में देखना है। तो चलो शुरुआत करते हैं फिर से हमारे इसी प्रोसेस की। अब देखो इसी के अंदर स्टूडेंट सिंपल सी बात हमें बताइए,
जो सिंपल सी बात है, इसके अंदर हमें सबसे फर्स्ट इम्बिबिशन देखना है, उसके बाद डिफ्यूजन देखना है, और उसके बाद ऑस्मोसिस देखना है। इम्बिबिशन के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, शॉर्ट नोट हमें उसी के ऊपर लिखना है, शॉर्ट नोट के बारे में उसके हमें बताना है, उसके बाद डिफ्यूजन के ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है और ऑस्मोसिस भी पूछने के चांसेस होते हैं। तो इन तीनों को हम डिटेल में देखेंगे, अच्छी तरह से देखेंगे। अब यहाँ पर देखो, सबसे फर्स्ट हमें इम्बिबिशन देखना है। इम्बिबिशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? इम्बिबिशन का मतलब होता है एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के अंदर हाइड्रोफिलिक पार्टिकल की स्वेलिंग होती है, और जो हाइड्रोफिलिक पार्टिकल है अगर वो स्वेल हो जाएगा तो इसका मतलब जो एटमॉस्फेरिक वाटर है वो एब्सॉर्ब होता है सीधा उसी पार्टिकल के अंदर। अब हाइड्रोफिलिक पार्टिकल का मतलब हो गया वाटर लविंग पार्टिकल, जो वाटर को एब्सॉर्ब करता है, जो वाटर को अट्रैक्ट करता है, तो उसी पार्टिकल के अंदर सीधा सीधा वाटर एब्जॉर्ब होता है, और वाटर एब्जॉर्ब होने की वजह से पार्टिकल की स्वेलिंग होती है। सपोज स्टूडेंट ये पार्टिकल है, जब भी हम यहाँ पर देखेंगे तो ये एक सिंपल सा पार्टिकल है, और उसी पार्टिकल्स के अंदर सराउंडिंग जो वाटर है वो एब्जॉर्ब होता है। अब यहाँ पर जो पार्टिकल हमें दिया है तो उसी पार्टिकल को अगर हम देखेंगे तो इसी पार्टिकल से क्या होता है, सराउंडिंग का वाटर पूरा एब्जॉर्ब होता है, और एब्जॉर्ब होने की वजह से पार्टिकल की साइज बढ़ती है। अब पार्टिकल की साइज बढ़ गई, इसका मतलब क्या हो गया, जो एटमोस्फेरिक वाटर था वो इसके अंदर चले गया, और एटमॉस्फेरिक वाटर इसके अंदर चलता है तो पार्टिकल की साइज बढ़ गई। बढ़ गई इसका मतलब पार्टिकल हाइड्रोफिलिक है, और हाइड्रोफिलिक पार्टिकल जो है वो इम्बाइब हो गया स्टूडेंट, इम्बाइब यानी कि इसका स्वेलिंग हो गया, और स्वेलिंग होने से वजह से इसकी साइज बढ़ती है, तो साइज बढ़ने की वजह से इसे हम इम्बिबिशन ऐसा कह सकते हैं। अब जो पार्टिकल वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसी पार्टिकल को इम्बिबेंट कहेंगे हम, ठीक है। अब इम्बिबेंट जो है, जो वाटर को अट्रैक्ट कर रहा है, वाटर को एब्सॉर्ब कर रहा है, तो ये वहां पर हम सिंपल सा बता सकते हैं। उसके बाद देखो, इम्बिबेंट के बाद सीधा सीधा द रूट हेयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ द पेक्टिन एंड कंपाउंड्स एंड द सेलुलोज विच आर हाइड्रोफिलिक और क्लोराइड्स। सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पर जो रूट हेयर्स है उसी के जो सेल वॉल है वो सीधा पेक्टिन से बने हुए हैं, और यही पेक्टिन वाटर मॉलिक्यूल को एब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब इम्बिबिशन प्रोसेस में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल गेट टाइटली एब्सॉर्ब विदाउट द परमिशन ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल है वो सीधा एब्सॉर्ब होता है सेल की वॉल की तरफ, और सेल के वॉल की तरफ एब्सॉर्ब होने के बाद सेल वॉल उसे एब्सॉर्ब कर लेती है, एब्सॉर्ब करने के बाद सीधा सेल के अंदर वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, तो वहां पर किसी प्रकार का सोल्यूशन नहीं बनता है। इम्बिबिशन कंटिन्यूज, इक्विलिब्रियम इज रीच। ये कब तक कंटिन्यू रहेगा, जब तक इक्विलिब्रियम इक्वल नहीं आएगा उसी तक ये कंप्लीट होते रहेगा। देन वाटर मूव्स अलोंग टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट। अभी वाटर का ग्रेडियंट भी वहां पर क्या होता है, मेंटेन होता है। तो इम्बिबिशन के कुछ सिग्निफिकेंस हमको दिए हैं। सिग्निफिकेंस के अंदर क्या दिया है, तो सोकिंग ऑफ द सीड, सीड इसे सोक कर सकते हैं, स्वेलिंग ऑफ द टायर रेजिन्स एंड द नीडिंग ऑफ द फ्लोर्स, इसके लिए इसका इम्पोर्टेंट थोड़ा ज्यादा है। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर इसी के अंदर इस प्लांट, इसी वाटर टैंक के अंदर पूरा वाटर है, और यही वाटर टैंक बाजू वाला जो है वो थोड़ा एम्प्टी है, अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हमने यहाँ से यहाँ तक कनेक्शन दे दिया, अब इधर का पूरा वाटर इधर आ रहा है, इधर का वाटर इधर आ रहा है, तो जो वाटर दोनों साइड का वाटर, इधर वाटर बढ़ते जाएगा, इधर वाटर कम होते जाएगा। अगर इधर वाटर कम होते जाएगा तो दोनों साइड से हमें क्या दिखने वाला है, एक इक्वल लेवल दिखने वाला है, तो इसे हम इक्विलिब्रियम कह सकते हैं। तो उसी तरह से वाटर का इक्विलिब्रियम जो होता है वो इम्बिबिशन प्रोसेस में होता है, ये हमें यहाँ पर बताया है। अब इसी पॉइंट के अंदर हम याद क्या रखने वाले, इसी पॉइंट के अंदर हम इम्बिबेंट पॉइंट को याद रखेंगे, जो हाइड्रोफिलिक पार्टिकल है, उसके बाद रूट हेयर के सेल वॉल जो वाटर एब्जॉर्प्शन को हेल्प करते हैं, जो सेलुलोज एंड पेक्टिन से बने हुए हैं, ये याद रखने का। उसके बाद हम सीधा सीधा इक्विलिब्रियम इसी पॉइंट को याद रखेंगे, और फाइनली हम सिग्निफिकेंस को याद रखेंगे। जो सिग्निफिकेंस हमने दिए हैं वो सिग्निफिकेंस सीड के लिए भी हेल्पफुल है, और रेजिन्स को वाटर एब्सॉर्ब करने के बाद जो भी वहाँ पर उन्हीं का टर्जिडिटी का नेचर आता है वो मेंटेन करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, ये पता चलता है। उसके बाद प्रोसेस दिए है डिफ्यूजन की। अब डिफ्यूजन प्रोसेस सिंपल है स्टूडेंट, इसके अंदर क्या दिया है, डिफ्यूजन के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तो डिफ्यूजन के बारे में हमें क्या बताया, डिफ्यूजन मीन्स टू डिस्पर्स, और द डिफ्यूजन कैन डिफाइंड एज द मोमेंट ऑफ आयंस एटम्स मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंसेस फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन।
यही सेंटेंस हमें याद रखना है, रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। यहां से यहां तक अगर हम सेंटेंस याद रखेंगे तो हम आसानी से डेफिनेशन लिख सकते हैं और एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, आयंस की मूवमेंट है या फिर एटम्स की मूवमेंट है या फिर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है या फिर एनी सब्सटेंस की मूवमेंट है, वो अगर हायर लेवल से लोअर लेवल तक हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, डिफ्यूजन कहेंगे। सपोज स्टूडेंट, यहाँ पर एक पार्टिकल है या फिर एक सिंपल सा सेल रखे वाला है और इसी सेल के अंदर कुछ आयंस कम है, बाहर की तरफ कैल्शियम आयंस बहुत ज्यादा है और अंदर की तरफ कैल्शियम आयन कम है, तो बाहर के कैल्शियम आयन अंदर जाते हैं तो इसे हम डिफ्यूजन कह सकते हैं। ठीक है, मीन्स हायर कॉन्सेंट्रेशन से क्या हो रहा है, आयन की मूवमेंट लोअर कॉन्सेंट्रेशन हो रही है, तो ये बन गया डिफ्यूजन। अभी यहाँ पर जो मूवमेंट है वो काइनेटिक एनर्जी की होती है और काइनेटिक एनर्जी की वजह से मॉलिक्यूल मूवमेंट कर सकते हैं और डिफ्यूजन प्रोसेस कंटिन्यू है, कब तक चलेगी, इक्विलिब्रियम तक, जैसा इक्विलिब्रियम के बारे में मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद वाटर पासेस इनटू द सेल बाय डिफ्यूजन थ्रू अ फ्रीली परमिएबल सेल वॉल। अभी वाटर कहाँ से पासेस होता है, तो सेल वॉल से होता है, सेल वॉल तो फ्रीली परमिएबल है। फ्रीली परमिएबल इसका मतलब क्या होता है, सपोज देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर अगर ये सेल वॉल है तो इन्हीं सेल के वॉल से वाटर बाहर से अंदर आ रहा है H2O। अब वाटर बाहर से अंदर आ रहा है तो यहाँ पर हमें एक बात पता चलती है सीधी सीधी, कि जो वाटर बाहर से अंदर आ रहा है तो वहां बाहर की तरफ वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हाई है और अंदर की तरफ वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मोमेंट हो रही है। तो ये मोमेंट किसी प्रकार के एनर्जी के सिवा हो रही है, उसे एनर्जी की जरूरत नहीं है, यानी कि नो एनी टाइप ऑफ द एनर्जी रिक्वायर हियर, मीन्स कौन सी एनर्जी यहाँ पर नहीं लग रही है। तो एनर्जी नहीं लगती है तो इसे हम क्या कहेंगे, सिंपल डिफ्यूजन कहेंगे या फिर डिफ्यूजन कहेंगे। तो ये क्यों होगा, क्योंकि वहां पर फ्रीली परमिएबल सेल वॉल है इसलिए वो पॉसिबल होगा। देन वाटर इज नाउ टू इंटरफेस ऑफ अ सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी यहाँ पर वाटर क्या होता है, सेल वॉल से प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसके बाद साइटोप्लाज्म तक जाता है। डिफ्यूजन रिजल्ट इन टू द डिफ्यूजन प्रेशर। अभी डिफ्यूजन की वजह से डिफ्यूजन प्रेशर बढ़ सकता है और डिफ्यूजन प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ डिफ्यूजिंग पार्टिकल, जितने पार्टिकल्स है उन्हीं से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है डिफ्यूजन प्रेशर। ठीक है, डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इज और प्योर वाटर इज ऑलवेज, हमें यहाँ पर लिखना है जीरो। अभी देखो यहाँ पर ये हमें बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, जो प्योर वाटर का डिफ्यूजन प्रेशर कितना होता है वो हम बता सकते हैं। तो अभी यहाँ पर तो हम प्योर वाटर का डिफ्यूजन प्रेशर अभी जीरो नहीं कहेंगे, लेकिन वो जीरो होता है ये हमें वहाँ पर बताना होता है, तो नेक्स्ट थोड़ी देर के बाद आने वाला पॉइंट है तो देखेंगे। अब देखो डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट और प्योर वाटर इज ऑलवेज क्या है, देखेंगे मोर देन द डिफ्यूजन प्रेशर, वो प्रेशर से ज्यादा होता है। उसके बाद सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन, अगर वो सॉल्वेंट रहेगा तो सॉल्यूशन के अंदर उसका प्रेशर हमें थोड़ा ज्यादा ही दिखेगा। उसके बाद देखो डिफरेंस इन द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एंड द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज द डिफ्यूजन प्रेशर, उसे हम डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट कहेंगे या फिर डीपीडी कह सकते हैं। उसे सक्शन प्रोसेस प्रेशर भी कहेंगे, सक्शन प्रेशर हम एसपी से बताने वाले हैं और ये जो टर्म है स्टूडेंट ये बीएस मेयर ने हमें 1938 में दी थी। नाउ डेज उसे हम वाटर पोटेंशियल कह सकते हैं और वाटर पोटेंशियल यूज फॉर टू द डीपीडी, डीपीडी के लिए हम वाटर पोटेंशियल अभी यूज करते हैं। उसके बाद डीपीडी एक्चुअली क्या है, तो एक सेल के लिए रिक्वायरमेंट होती है वाटर की और वाटर एब्जॉर्ब होता है सराउंडिंग से, तो उसे हम डीपीडी बता सकते हैं। वाटर अराउंड अ सेल वॉल हैज अ मोर डिफ्यूजन प्रेशर एंड देन सेल्स सेल्स अप, ड्यू टू दिस वाटर मूव्स इन द सेल बाय द डिफ्यूजन। अभी यहाँ पर जो प्रोसेस चल रही है वो सीधा सेल के रिक्वायरमेंट के बेसिस पर चल रही है और डिफ्यूजन जो है वो डीपीडी यानी कि वाटर पोटेंशियल इसी के बेसिस पर डिपेंड करने वाली प्रोसेस होती है और वो सेल सैप के लिए हेल्पफुल है। अभी सैप क्या है वो हमें थोड़ी देर में पता चलने वाला है। अभी डिफ्यूजन का सिग्निफिकेंस क्या है, प्लांट के अंदर अगर हम देखेंगे तो वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए है, मिनरल एब्जॉर्प्शन के लिए है, वाटर कंडक्शन के लिए है और स्पेसिफिक ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करने के लिए भी ये प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल होती है। उसके बाद एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए और ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, फूड और जो भी वाटर मिनरल वगैरह है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी वो
रिस्पॉन्सिबल है, तो ये उसके सिग्निफिकेंस हो गए। तो ऑस्मोसिस अभी हमें देखना है, लेकिन उससे पहले इंहिबिशन के सिग्निफिकेंस और डिफ्यूजन के सिग्निफिकेंस हमें याद रखना है। अब इस पॉइंट में हम याद क्या रखेंगे, तो सीटी के लिए हम बी एस मेयर इन्हीं का नाम याद रखेंगे, डी पी डी क्या होता है ये याद रखेंगे, उसके बाद हम याद रखेंगे स्टूडेंट इधर का पॉइंट जिसे हम क्या कहेंगे, जो डिफ्यूजन प्रेशर है वो डिफ्यूजन प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिफ्यूजन पार्टिकल से, तो ये पॉइंट हम याद रखेंगे। अब यहाँ पर हमें सिंगल सेल का स्ट्रक्चर दिया है और सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के अंदर देखो वाटर चैनल से सीधे वाटर अंदर आ रहा है। अब इधर के साइड को वाटर का पोटेंशियल थोड़ा ज्यादा है, तो ये हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, डिफ्यूजन कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो अनदर पॉइंट हमें देखना है जो ऑस्मोसिस है। ऑस्मोसिस क्या होता है स्टूडेंट, इट इज अ प्रोसेस बाय विच वाटर एंटर्स इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द रूट हेयर सेल्स, एंड ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल टाइप्स ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ द सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसके अंदर जो मूवमेंट है वाटर की, तो वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रही है, और मेम्ब्रेन के थ्रू होने वाली यही मूवमेंट आगे चलकर साइटोप्लाज्म के अंदर वाटर को एंटर करती है। अब उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो जो रूट हेयर से आने वाले कंटेंट है जैसा मिनरल है, शुगर है, इन सभी को अंदर लाने का वर्क करते हैं, और अदर वर्ड्स हम इसे सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, जब वाटर के अंदर अगर शुगर वगैरह मिक्स हो जाएगी तो वो सॉल्यूशन बन गए, तो ये भी हम उसे बता सकते हैं। इनसाइड द सेल इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रॉन्गर एंड देन आउटसाइड द सेल वीकर, सेल के बाहर यही कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, सेल के अंदर ही ज्यादा होता है, इसलिए सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूशन साइटोप्लाज्म के अंदर हमें दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद सेल जो है स्टूडेंट वो सेमी परमेबल रहने की वजह से, उसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमेबल रहने की वजह से वहां पर ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है, यानी कि जो सॉल्वेंट मूव हो रहा है वो भी वहां पर बाहर से सेल के अंदर आ रहा है, यानी कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक आता है या फिर सेल के अंदर से बाहर जाता है। मीन्स सेल के अंदर अगर कॉन्सेंट्रेशन हाई रहेगा तो वह सीधा बाहर जाने वाला है, तो उसे हम ऑस्मोसिस कह सकते हैं। अब ऑस्मोसिस जो है स्टूडेंट, तो ऑस्मोसिस में हमें सीधा पता चलता है कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर का थ्री डिफरेंट सॉल्यूशंस के रिकॉग्नाइजेशन में हम बता सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट वाला जो है उसे हम हाइपोटोनिक कहेंगे, हाइपोटोनिक यानी कि वीक सॉल्यूशन, और उसे स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट हम कहेंगे, हैविंग अ लो ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन, इसका कॉन्सेंट्रेशन भी लो है। हाइपोटोनिक में हमें पता चलता है स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन है, वीक सॉल्वेंट है, और हैविंग अ हाई ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन, ये वहां पर पता चलता है। आइसोटोनिक अगर हम बात करेंगे तो दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होता है, दोनों तरफ अगर कॉन्सेंट्रेशन इक्वल रहेगा तो ऑस्मोटिक कंडीशन भी वहां पर इक्वल मिलती है, कॉन्सेंट्रेशन भी वहां पर इक्वल मिलता है, कौन सा ही मॉलिक्यूल अंदर से बाहर और बाहर से अंदर नहीं जाने वाला है। तो ऑस्मोसिस जो प्रोसेस है वो हम दो डिफरेंट टाइप्स में डिस्कस कर सकते हैं, एक एक्सोस्मोसिस है और दूसरी एंडोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस का मीनिंग क्या होता है, तो इट इज अ माइग्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम द सेल आउटसाइड, इट कॉजेज द फ्लैसिडिटी ऑफ द सेल। ये सिंपल सी बात है, देखो जो सॉल्वेंट बाहर प्रेजेंट है वो सॉल्वेंट के बारे में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन जो सेल के अंदर है वो सीधा सेल के अंदर से सेल से बाहर जा रहा है। अगर ये सेल के अंदर से सेल से बाहर जा रहा है तो सेल फ्लैसिड बन जाएगी, सिंपल बात है। सेल फ्लैसिड बन गई तो जो सॉल्वेंट की मूवमेंट हो रही है फ्रॉम सेल टू आउटसाइड हो रही है, तो इसे हम एक्सोस्मोसिस कहेंगे। एक्सो का मीनिंग होता है बाहर जाना। एंडोस्मोसिस में क्या होता है, जो बाहर का सॉल्वेंट है वो सेल के अंदर आता है, तो सेल के अंदर आ रहा है तो वो एंडोस्मोसिस हो गया, इसकी वजह से सेल की टर्जिडिटी होती है, और सेल टर्जिडिटी हो गई तो सेल में टर्गर प्रेशर दिखाई देता है जिसे हम टीपी कहेंगे। ठीक है, उसके बाद सिंपल सी बात है, सेल अगर टर्जिड हो गई तो वहां पर हमें टर्जर प्रेशर दिखाई देता है, और जो टर्जर प्रेशर है वो टर्जर प्रेशर सेल के वॉल के ऊपर जनरेट होता है, और सेल के वॉल उतना ही प्रेशर उसी पार्टिकल के ऊपर जनरेट करती है, तो उसे हम वॉल प्रेशर कहेंगे। तो टीपी इज इक्वल टू डब्ल्यू पी रहता है स्टूडेंट। जैसा देखो, सपोज यहाँ पर एक सिंगल सेल है, और सेल के अंदर अगर हम बात करेंगे तो सीधा सीधा सिंगल सेल है, और इस सेल के अंदर ये वाटर मॉलिक्यूल आ गया है। अब ये क्या करेगा, सेल के वॉल के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा, इसे हम टर्गर प्रेशर कहेंगे। अब सेल वॉल उतना ही प्रेशर इसी पार्टिकल के ऊपर अप्लाई करेंगे, तो इसे हम डब्ल्यू पी कहेंगे, यानी कि वॉल प्रेशर। तो दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है,
इस प्रकार से। अब उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर देखना है, द प्रेशर एग्जर्टेड ड्यू टू द ऑस्मोसिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये एग्जाम में डेफिनेशन पूछने के चांसेस है, ये पूछे वाली भी है और पूछ भी सकते हैं। क्या बताया, द प्रेशर एग्जर्टेड ड्यू टू द ऑस्मोसिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर, जो प्रेशर ऑस्मोसिस से जनरेट होता है तो उसे ऑस्मोटिक प्रेशर हम कह सकते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, तो इट इज अ प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, ये सोल्यूशन का प्रेशर स्टूडेंट, विच रिक्वायर्ड इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन से वो रिक्वायर्ड होता है, सो एज इट स्टॉप द एंट्री ऑफ द सॉलिड मॉलिक्यूल इनटू द सेल, जितने भी सॉलिड मॉलिक्यूल सेल के अंदर आ रहे हैं उन्हीं की एंट्री को स्टॉप करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर जो है सोल्यूशन का वो इक्वेलेंट होता है टू इट्स प्रेशर, खुद के प्रेशर से वो इक्वेलेंट होता है, और विच मस्ट एक्सर्ट अपॉन इट टू प्रिवेंट अ फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूवमेंट होने के चांसेस वो बताता है, या फिर उसी मूवमेंट को प्रिवेंट भी कर सकता है, प्रिवेंट करने के लिए ज्यादातर रिस्पॉन्सिबल है ये, ठीक है। उसके बाद देखो डीपीडी इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर। अभी ऑस्मोटिक प्रेशर में से टर्गर प्रेशर माइनस हो गया, तो हमें टर्गर प्रेशर क्यों माइनस करना है, क्योंकि टीपी इज इक्वल टू डब्ल्यू पी है, यानी कि टर्गर प्रेशर इज इक्वल टू वर्क प्रेशर है, तो उसका मतलब क्या हो गया, डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस डब्ल्यू पी, और फाइनली हमें सेल जब फ्लैसिल मिलती है तो टीपी जीरो आता है स्टूडेंट, ठीक है। और जब सेल टर्जिड हो जाती है तो टीपी जीरो आ जाएगा, क्योंकि टीपी इज इक्वल टू डब्ल्यू पी है, यहाँ पर डीपीडी इज इक्वल टू ओपी है। अब यहाँ पर टीपी इज इक्वल टू डब्ल्यू पी था, तो WP की जगह पर हमने क्या लिया, OP लिया, सिंपल सी बात है, क्योंकि OP इज इक्वल टू WP, तो इस तरह से वहां पर जीरो हमें क्या मिलता है, तो इन सभी का प्रेशर मिलता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से जनरेट होने वाला, तो ये सिंपल सी बात वहां पर हम बता सकते हैं। उसके बाद फ्लैश फैसिलिटेड डिफ्यूजन हमें क्या है ये देखना है। अब देखो यहाँ पर अगर सिंगल सेल वॉल रहेगी तो इन्हीं सेल वॉल से कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जो सेल के अंदर मूव नहीं होते, तो उन्हें मूव करने के लिए यहाँ पर प्रोटीन्स होते हैं, उसे हम पोरिंस कहेंगे, तो ये पोरिंस इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं कुछ पार्टिकल्स को, और जो पार्टिकल्स वहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी नहीं है, और यही पार्टिकल को अंदर की तरफ मूव करने के लिए कौन है रिस्पॉन्सिबल, तो प्रोटीन्स है, तो इसी प्रोटीन्स को पोरिंस के नाम से जानते हैं, तो वहाँ पर हमें पोरिंस जो मिलते हैं वो एक्वापोरिंस है, और यही एक्वापोरिंस वाटर मॉलिक्यूल को अंदर भेजते हैं। अब उसके लिए हम एक डायग्राम निकालते हैं, देखो यहाँ पर सीधी सीधी बात है, सपोज स्टूडेंट एक सिंपल सी सेल वॉल है यहाँ पर हमने निकाली है, तो अब अभी यहाँ पर हम डायग्राम कंप्लीट करते हैं तो देखते हैं। अब देखो सेल वॉल है स्टूडेंट, अब इसी सेल वॉल के पास हम सबको पता है फर्स्ट प्रोटीन यहाँ पर प्रेजेंट है, सेकेंड प्रोटीन यहाँ पर प्रेजेंट है, और थर्ड प्रोटीन यहाँ पर प्रेजेंट है। क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल इसके बाहर होता है सेल के, अब ये हो गया इनसाइड का एरिया सेल का, और ये हो गया आउटसाइड का एरिया। अब यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल है वो सीधा यहाँ से अंदर आता है, क्योंकि उसे लाने के लिए एक्वापोरिंस रिस्पॉन्सिबल है, एक्वापोरिंस एक्वापोरिन की वजह से वाटर मॉलिक्यूल अंदर आ रहा है। अभी अंदर का वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाने के लिए भी पोरिंस का यूज करता है इस तरह से, तो उसके बाद ये बन गया सीधा सीधा मोमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो बाहर से अंदर हो रही है, बाहर से अंदर हो रही है तो वहां पर प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है, तो इसे हम एक्वापोरिंस कह सकते हैं, तो नियर अबाउट 9 एक्वापोरिंस वहां पर होते हैं एक्वापोरिंस, ठीक है। अब यहाँ पर हम पार्टिकल्स की मूवमेंट देखेंगे तो वो किस प्रकार से होती है, सपोज पार्टिकल जो है वो बाहर से अंदर आ रहा है सेल के अंदर यहाँ पर, और इसी पार्टिकल को लाने के लिए प्रोटीन है, मैंने अभी आपसे कहा, तो एक पार्टिकल अंदर आ रहा है तो ये यूनिडायरेक्शनल हो गया। अब यहाँ पर देखो दो पार्टिकल है, एक अंदर आ रहा है एक बाहर जा रहा है, तो इसे हम एंटीपोड कहेंगे, एंटीपोड डायरेक्शन है ये, यहाँ पर दो पार्टिकल है सीधा अंदर आ रहे हैं एक ही डायरेक्शन से आ रहे, तो उसे हम क्या कहेंगे, सिंपोर्ट कहेंगे, सिंपोर्ट, तो इसी तरह से ये बन गया यूनिपोर्ट। तो ये डायरेक्शन होती है, मोमेंट होती है पोरिंग की वजह से, और उसे हम फैसिलिटेड डिफ्यूजन के लिए एग्जांपल में ले सकते हैं। उसके बाद देखो फैसिलिटेड डिफ्यूजन के बाद हमें वाटर पोटेंशियल देखना है, वाटर पोटेंशियल हम साई की हेल्प से बताते हैं।
अब वाटर पोटेंशियल क्या है, तो इसे डिस्कस करने के लिए हमें थर्मोडायनामिक्स का प्रिंसिपल देखना है, और थर्मोडायनामिक्स प्रिंसिपल की वजह से हमें पता चलता है वाटर पोटेंशियल क्या है। तो इसके अंदर देखो, अमाउंट ऑफ द फ्री एनर्जी विच यूज टू वर्क ऑस्मोटिक मोमेंट ऑफ द वाटर इज ऑन द बेसिस ऑफ फ्री एनर्जी, और फ्री एनर्जी पर मॉलिक्यूल इन ए केमिकल सिस्टम इज कॉल्ड एज द केमिकल पोटेंशियल। मीन्स जो भी वाटर पोटेंशियल है तो वो वाटर पोटेंशियल फ्री एनर्जी के लिए वाला है, और फ्री एनर्जी की वजह से वहां पर केमिकल पोटेंशियल हमें दिखता है। ठीक है, उसके बाद देखो, केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज द वाटर पोटेंशियल। जो वाटर का पोटेंशियल है वही केमिकल पोटेंशियल, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, वाटर पोटेंशियल कहेंगे। अब ये जो रिप्रेजेंट करना है तो ग्रीक साइन साई में हमें रिप्रेजेंट करना है, जो यहाँ पर हमें सिंबल दिया है। उसके बाद वाटर पोटेंशियल जो है स्टूडेंट, तो वाटर पोटेंशियल अगर हम प्रोटोप्लाज्म का देखेंगे तो वो इक्वल रहेगा अपोजिट साइन ऑफ द डीपीडी के, ठीक है। उसके बाद निगेटिव वैल्यू इसकी बताना पड़ेगी हमको, और द यूनिट मेजरमेंट जो है वो बार से, या फिर उसे हम पास्कल्स भी कह सकते हैं, पास्कल्स का यूनिट मेजरमेंट है। ये सीटी के लिए पूछने का चांस है, और ये पिछले एग्जाम में पूछा भी था, ठीक है। अब उसके बाद देखो, वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर जीरो है स्टूडेंट, ये नीट के अंदर पूछे वाला क्वेश्चन है। ये आई थिंक इसी एग्जाम से पहले एग्जाम में पूछे वाला क्वेश्चन है, प्योर वाटर का पोटेंशियल क्या होता है, तो ऑलवेज वो जीरो होता है, ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। अब जो वैल्यू होती है इनकी, तो वैल्यू बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी फ्लो देखना पड़ेगा। एनर्जी नेगेटिव पोटेंशियल भी बता सकती है, पॉजिटिव पोटेंशियल भी बता सकती है, और जो वाटर पोटेंशियल है वो तो फ्री एनर्जी से रिलेटेड है, तो दोनों के अंदर जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस वहां पर हम बता सकते हैं, पोटेंशियल का नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होता है। तो अभी इसी वाटर पोटेंशियल के ऊपर इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से, वाटर पोटेंशियल के ऊपर इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स स्टूडेंट, प्रेजेंस ऑफ कैपिलरी वाटर इज एसेंशियल। कैपिलरी वाटर कितना है और क्या एसेंशियल है वो वहां पर फैक्टर अफेक्ट कर सकता है। रेट ऑफ द वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन का रेट भी अफेक्ट कर सकता है। टेम्परेचर का इफेक्ट वहां पर होता है, टेम्परेचर 20 डिग्री टू 30 डिग्री सेल्सियस के अंदर होता है, तो ये मैक्सिमम टेम्परेचर बन गया, ठीक है। उसके बाद हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन टू द सॉइल, सॉइल के अंदर एक कॉन्सेंट्रेशन कैसा है सोल्यूट का, वो भी इफेक्ट कर सकता है वाटर पोटेंशियल के ऊपर। उसके बाद पुअरली एरिएटेड सॉइल्स शो और पुअर एब्जॉर्प्शन, अगर सॉइल के अंदर ज़्यादा एरिएशन नहीं रहेगा तो वाटर पोटेंशियल के ऊपर उसका इफेक्ट हो जाएगा, वाटर एब्जॉर्प्शन के ऊपर उसका इफेक्ट हो जाएगा, और ये सभी इफेक्ट वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब ज़्यादा अगर कैपिलरी वाटर वहाँ पर प्रेजेंट नहीं रहेगा तो वाटर एब्जॉर्प्शन लेस हो जाएगा, अगर वहाँ पर एब्जॉर्प्शन रेट कम रहेगा या फिर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो वाटर एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन अगर हाई रहेगा सोल्यूट का तो भी वाटर एब्जॉर्प्शन के ऊपर उसका परिणाम हो सकता है, वो रिड्यूस होने के चांसेस हो सकते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन। और वाटर एब्जॉर्प्शन पुअरली चलता है अगर सॉइल के अंदर पुअर रेट ऑफ द एरिएटेड कंडीशन रहेगी, एरिएटेड कंडीशन यानी कि एयर जो है वो सॉइल के अंदर प्रेजेंट नहीं रहेगी, और सॉइल ज़्यादातर स्ट्रांग रहेगी तो वहाँ पर वाटर एब्जॉर्प्शन कम होता है। उसके बाद इंक्रीज द ट्रांसपीरेशन और एसिलेट द रेट ऑफ द एब्जॉर्प्शन वाटर इन द इरीगेटेड साइड, इरीगेटेड साइड के अंदर वाटर एब्जॉर्प्शन रेट थोड़ा इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं। तो ये हो गया फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द वाटर एब्जॉर्प्शन, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हम इसी के कौन से भी चार पॉइंट्स दो मार्क के लिए लिखेंगे। अब देखना है हमें प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस का मतलब क्या होता है, प्लाज्मा मीन्स प्लाज्मा और लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन करना। तो इसके अंदर एक्सोस्मोस प्रोसेस हम देखते हैं तो लिविंग सेल के अंदर हमें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कंडीशन में प्लाज्मोलाइसिस दिखाई देता है। इसका मतलब क्या होगा श्लोक, इसका मतलब देखो सिंपल सा है, जब समझो एखादी सेल हमने यहाँ पर ली है और इसी सेल के अंदर हमें एक्सोस्मोसिस देखना है, ये सिंगल सी सेल है और बाहर के कंडीशन में जो वाटर कॉन्सेंट्रेशन है या फिर सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन है वो बाहर कम है यानी कि लेस है, लेस है यानी कि बाहर के साइड को हमें हाइपोटोनिक कंडीशन दिखाई दे रही है, हाइपोटोनिक, और अंदर के साइड को जो कंडीशन है वो हाइपरटोनिक है, हाइपर यानी कि ज्यादा, हाइपोटोनिक मीन्स ग्रेट कहेंगे हम उसको, ठीक है। अब क्या होता है, अंदर के पार्टिकल जो मॉलिक्यूल से सॉल्यूशन है वो बाहर आता है, बाहर आता है तो ये एक्सोस्मोसिस बन गया। अब एक्सोस्मोसिस बन गया तो जो सेल है उसी के अंदर हमें क्या नेचर दिखाई देगा, अगर प्लांट सेल हम लेते हैं तो प्लांट सेल के अंदर जो नेचर दिखाई देता है वो किस प्रकार से होता है, देखो सीधा सीधा जो न्यूक्लियस था वो न्यूक्लियस वन साइड चले जाता है,
वैक्यूल्स वहां का बहुत स्मॉल होता है और प्लाज्मा इस तरह से ब्रेक हुआ हुआ नजर होता आता है, तो इसे हम प्लाज्मोलाइसिस कहेंगे। प्लाज्मोलाइसिस वहां पर दिखाई देता है। अब अगर सॉल्यूशन हमने क्या किया, सेल को हाइपरटोनिक कंडीशन से हाइपोटोनिक में लिया था। अब जब हम सेल को हाइपो से हाइपर में लेते हैं तो वहां पर एंडोस्मोसिस होता है और एंडोस्मोसिस होने से टी प्लाज्मोलाइसिस हो सकता है। अब्जॉर्प्शन जो चल रहा है वो कंटिन्यू होता है और उसकी वजह से सेल हमारी जो है वो सेल फिर से फ्लैसिड से टर्जिड होती है, लेकिन वहां पर फ्लैसिड बनने के बाद प्लाज्मोलाइज द सेल्स अ गैप डेवलप बिटवीन टू द सेल वॉल एंड प्रोटोप्लास्ट एंड दिस गैप इज फिल्ड अब बाय टू द आउटर सॉल्यूशन। जो गैप है वो आउटर सॉल्यूशन के अंदर दिखाई देता है। अब यहाँ पर क्या होता है, इन अ प्लाज्मोलाइज्ड सेल टीपी इज ऑलवेज जीरो। टीपी कितना है, जीरो, ये बात हमें याद रखना है। व्हेन सच सेल्स प्लेस्ड इन अ हाइपरटोनिक सिचुएशन, जब हम सेल को हाइपरटोनिक कंडीशन में प्लेस करते हैं तो वहां पर डी प्लाज्मोलाइसिस होता है। यानी क्या होता है, सपोज यहाँ पर सेल को हम क्या कर रहे हैं, हाइपरटोनिक कंडीशन में ला रहे हैं। सेल के अंदर तो अभी प्लाज्मोलाइसिस कंडीशन हो गई थी, इस तरह से हमें प्लाज्मोलाइसिस दिखाई दे रहा था, तो यहाँ पर जो है वो हाइपरटोनिक कंडीशन है। हाइपरटोनिक यानी कि इसका मतलब सॉल्यूशन यहाँ पर एक्सेस से ज्यादा है और अंदर के साइड को सॉल्यूशन कम है, तो बाहर से सॉल्यूशन अंदर चले जाएगा तो ये एंडोस्मोसिस बन गया, एंडोस्मोसिस बन गया, और एंडोस्मोसिस बन गया तो इसे हम डी प्लाज्मोलाइसिस कह सकते हैं। ठीक है, सेल फिर से टर्जिड होती है और उस टाइम टीपी इज इक्वल टू डब्ल्यूपी रहता है और डीपीडी जो है वो ऑलवेज जीरो रहेगा, ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है। तो ये हो गया प्लाज्मोलाइसिस और डी प्लाज्मोलाइसिस के बारे में। उसके बाद हमें सेकेंड जो पॉइंट दिया है वो दिया है पाथ ऑफ द वाटर अक्रॉस टू द रूट फ्रॉम द एपिब्लेमा अप टू द साइलम इन द एक्सटीरियर, मीन जो भी रूट वाटर एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसका पाथ हमें यहाँ पर बताना है। तो सबसे फर्स्ट देखो, वाटर जो एब्जॉर्ब हो रहा है तो वाटर एब्जॉर्ब होता है रूट हेयर से और रूट हेयर सेल से चलता है, इम्बिबिशन होने के बाद डिफ्यूजन होता है, फिर ऑस्मोसिस होता है, फिर सिक्वेंटली वाटर का एब्जॉर्प्शन चलेगा और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन भी चलेगा। अब ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी तो डीपीडी की हेल्प से डीपीडी वैल्यू हमें डिक्रीज हुई वाली नजर आएगी और डीपीडी वैल्यू इंक्रीज हो गई, डिक्रीज हो गई तो सीधा जो सेल है इनर साइड को जो क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन है सेल का वो भी हमें वहाँ पर चेंज हुआ हुआ नजर आता है, उसकी एडजस्टमेंट चलती है। उसके बाद डीपीडी जो है वैल्यू स्टूडेंट वो ओपी से मोर होती है और ओपी से मोर होने की वजह से जो वाटर है वो वाटर सेल की टर्जिडिटी वहाँ पर बताता है, रूट की टर्जिडिटी वहाँ पर बताता है। उसके बाद फ्लैसिड जो रूट हेयर से वो वाटर एब्जॉर्प्शन को सपोर्ट करते हैं और सॉइल के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है उसी का एब्जॉर्प्शन करके से वो प्लांट को प्रोवाइड करने के लिए सपोर्ट करेंगे। उसके बाद जो वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, जो टर्जिड हो रहा है, क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन जो भी क्रिटिकल कंडीशन थी, जो क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन थी सेल की, तो वो वाटर एब्जॉर्ब होने की वजह से वो सेल फिर से टर्जिड हो जाएगी और सेल का एब्जॉर्प्शन होने, वाटर का एब्जॉर्प्शन होने के बाद टर्जिड सेल ट्रांसपोर्ट करती है वाटर एक सेल से अनदर सेल से तक, तो वहां पर एपिब्लेमा लेयर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है और ये प्रोसेस जो है स्टूडेंट तो ये रैपिडली प्रोसेस होती है। रैपिडली प्रोसेस होने की वजह से वहां पर एपिडर्म से लेकर वाटर का ट्रांसपोर्ट चलता है, लेकिन ये जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है इसी के लिए हमें कुछ पाथवेज दिए हैं। अब वो कौन से पाथवेज है तो वो हमें देखना है, तो वहां पर हमें दो डिफरेंट प्रोसेस दिए है, एक प्रोसेस दिए है वो है एपोप्लास्ट और दूसरी दिए है वो है सिम्प्लास्ट। अब जो एपोप्लास्ट प्रोसेस है स्टूडेंट तो वो प्रोसेस सीधा सेल मेम्ब्रेन से हो रही है क्योंकि यहाँ पर एनर्जी रिक्वायर नहीं होती है और वो चलती है जाइलम तक। अब यहाँ पर जाइलम तक जा रही है तो इसे हम एपोप्लास्ट कहेंगे, विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी है तो ये प्रोसेस की, तो जाइलम से सीधा वो ऊपर उसे एसेंड किया जाएगा, तो इस प्रकार वाटर का एब्जॉर्प्शन चलता है ये एपोप्लास्ट में। और सिम्प्लास्ट में भी सेम, लेकिन सिम्प्लास्ट जो एनर्जेटिक है वहाँ पर एटीपी रिक्वायरमेंट होती है तो ये एक्टिव प्रोसेस होती है, यहाँ पर सीधा सेल प्लास्मोडेस्माटा को क्रॉस करके सीधा अंदर आती है, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस से पेरिसाइकल, पेरिसाइकल से जाइलम, जाइलम से सीधा एसेंड। तो ये दो पाथवे वहाँ पर हमें दिखते हैं। अब जो दोनों पाथवे हैं वो हमें यहाँ पर बताए, एक है एपोप्लास्ट और दूसरा सिम्प्लास्ट। एपोप्लास्ट जो है वो एनर्जी फ्री है, सिम्प्लास्ट जो है वो एनर्जी के साथ चलने वाला है। ठीक है, अभी जो पाथवे है वो ये पाथवे में देखो, एपोप्लास्ट पाथवे जो विदाउट एनर्जी चलेगा और सिम्प्लास्ट जो है उसे एटीपी की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब सिम्प्लास्ट प्रोसेस जो है वो वैक्यूलर भी होती है और ट्रांस मेम्ब्रेन भी होती है, ये वहां पर हमें याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखो
एपोप्लास्ट मूवमेंट के अंदर हम सिर्फ एक बात याद रखेंगे, एपोप्लास्ट जो चलती है वो सीधा मेम्ब्रेन से चलती है। यहाँ पर हमें दिया है जो एपोप्लास्ट मूवमेंट है वो मेम्ब्रेन लेयर से चलेगी, और मेम्ब्रेन लेयर से चलेगी तो वो एनर्जी फ्री रहेगी, ये याद रखेंगे। और सिंक प्लास्ट जो है वो प्लास्मोडेस्माटा क्रॉस कर कर चलती है, तो वो एनर्जेटिक प्रोसेस है, उसे एक के भी लगता है। अब इसका हमें मैकेनिज्म देखना है, कौन सी प्रोसेस किस प्रकार से चलता है। मैकेनिज्म जो है स्टूडेंट वो दो डिफरेंट प्रोसेस के अंदर दिखाई देता है, एक है पैसिव एब्जॉर्प्शन और दूसरा है एक्टिव एब्जॉर्प्शन। पैसिव एब्जॉर्प्शन के बारे में देखेंगे। पैसिव एब्जॉर्प्शन यानी क्या, तो पैसिव एब्जॉर्प्शन जो चलता है रूट हेयर से चलता है। रूट हेयर से एब्जॉर्प्शन जब चलेगा तो वहां पर हमें किसी प्रकार की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी कि फ्रॉम द सॉइल्स इनटू द प्लांट वाटर की मूवमेंट हो रही है, और वाटर की मूवमेंट इनटू द प्लांट हो रही है तो ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस के लिए वहां पर एनर्जी नहीं लगती है, तो इसलिए वो पैसिव प्रोसेस हो गई। अब पैसिव प्रोसेस हो गई तो हम उसे बता सकते हैं नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, यानी कि एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस प्रकार से जो भी एब्जॉर्प्शन चलेगा तो वह एब्जॉर्प्शन 98% टोटल वाटर का एब्जॉर्प्शन इसी प्रकार से चलने वाला है। अब देखो ये प्रोसेस पैसिवली है तो इसे हम पैसिव एब्जॉर्प्शन कहेंगे, और ये प्रोसेस डे टाइम में चलती है क्योंकि उसी के लिए ट्रांसपिरेशन जरूरी होता है। ट्रांसपिरेशन मीन्स क्या, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, ये हम देखने वाले हैं स्टोमेटा स्ट्रक्चर के बाद साथ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इट स्टॉप्स टू द नाइट ऑफ द ट्रांसपिरेशन स्टॉप, ये प्रोसेस नाइट को स्टॉप होती है क्योंकि वहां पर ट्रांसपिरेशन स्टॉप होता है। ये प्रोसेस रैपिड भी है स्टूडेंट, और रैपिड प्रोसेस रहने की वजह से टेंशन क्रिएट होता है झाइलम के अंदर, वेसल के अंदर, और झाइलम वेसल के अंदर टेंशन क्रिएट हो जाएगा तो निगेटिव वाटर पोटेंशियल वहां पर जनरेट होता है, और इसी की वजह से झाइलम क्या कर सकती है, रूट से वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प करती है, और पैसिवली ये प्रोसेस कंप्लीट होती है और अपवर्ड डायरेक्शन भी इसी मोमेंट से चलेगा। उसके बाद देखो यहाँ पर एटीपी नहीं है, इसका मतलब विदाउट एनर्जी चलने वाले प्रोसेस है और ये पैसिव प्रोसेस हो गई, ये पॉइंट हमें बहुत याद रखना है, ठीक है। रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है उसे डिसाइड नहीं करते जनता, और दूसरी बात रही तो प्लांट जो है वाटर एब्जॉर्ब जो करेगा ज़्यादातर पैसिवली ही करेगा, ठीक है। उसके बाद रही बात एक्टिव प्रोसेस की, अब यहाँ पर हम इसको डायग्राम से कैसा समझ देते हैं, देखो सीधी सीधी बात है, यहाँ पर रूट है रेस्टोरेंट और ये रूट हमारा, और ये ऊपर वाला पोर्शन जो है वो है स्टेम का। अभी क्या होता है, सीधा वाटर अंदर आता है, आने की वजह से ये पैसिवली आ जाएगा, और पैसिवली आने की वजह से ये ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन को झाइलम से वेसल्स के थ्रू जो प्रेशर जनरेट है, टेंशन क्रिएट हो गया है, उसी टेंशन की हेल्प से उसे मूव करने के लिए सपोर्ट करेगी। तो इस तरह से पैसिव प्रोसेस विदाउट एनर्जी चलती है, और जो एक्टिव प्रोसेस है उसी के लिए एनर्जी लगती है, और एनर्जी लगने की वजह से यहाँ पर फोर्स जनरेट होता है, और जो फोर्स जनरेट हो जाएगा तो उसी फोर्स की वजह से वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। तो अभी यहाँ पर जो वाटर चल रहा है, एब्जॉर्प्शन चल रहा है, वो एक्टिविटी के बेसिस पर है रूट के, और रूट जो एक्टिविटी करता है वो एब्जॉर्प्शन के लिए, तो वहाँ पर फोर्स की जरूरत होती है, और उसी फोर्स को रूट प्रेशर कहेंगे हम। रूट प्रेशर की वजह से वाटर एब्जॉर्ब होता है। अब लिविंग सेल ये प्रोसेस करते हैं तो उसे एक्टिव प्रोसेस या फिर एक्टिव एब्जॉर्प्शन हम कहेंगे। एक्टिव एब्जॉर्प्शन के अंदर ये जो प्रोसेस है यूजुअली नाइट को कंप्लीट होती है, और उसी टाइम स्टोमेटा क्लोज होते हैं, और स्टोमेटा क्लोज होने की वजह से जो डीपीडी का ग्रेडियंट है वो स्टूडेंट कितना है, अगेंस्ट होता है वहां पर आने वाले वाटर एब्जॉर्प्शन के। यहाँ पर एनर्जी लगती है इसलिए वो एटीपी है, रिक्वायर प्रोसेस है, उसे हम एक्सपेंडिचर प्रोसेस कह सकते हैं, और इसलिए हम उसे एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन भी कहते हैं। इसी के ऊपर जो रेस्पिरेटरी एक्टिविटी है उसका जनरेशन भी चलता है, वो हमें याद रखना होगा। अब एक्टिव एब्जॉर्प्शन जो है स्टूडेंट मे बी ऑफ टू काइंड, इसी के भी दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं ऑस्मोटिक और दूसरा होता है नॉन ऑस्मोटिक। ऑस्मोटिक जो टाइप है स्टूडेंट वो हमें एटकिंस एंड द पिस्टिले इन्होंने 1922 के अंदर बताया था। तो अभी 1922 के अंदर वाटर एब्जॉर्प्शन सॉइल से किस प्रकार चलता है वो बताते हैं, और रूट के अकॉर्डिंग वहाँ पर ऑस्मोटिक ग्रेडियंट क्या है उसका भी पता हमें चलता है। टू क्रिएट द ऑस्मोटिक कंडीशन, एटमोस्फेरिक कंडीशन क्रिएट हो रही है, और दे आर इज एंड एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, वहां पर भी एनर्जी का एक्सपेंडिचर होता है। बट सच एब्जॉर्प्शन डज नॉट डायरेक्टली रिक्वायर एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, इसे डायरेक्टली एनर्जी रिक्वायर नहीं होती है। तो एनर्जी जो रिक्वायर होती है वो तो डिफरेंट एक्टिविटीज से होती है। उसके बाद जो ग्रेडियंट डीपीडी का है वो ग्रेडियंट वहां पर चलता है, तो जो सेल है सेल वहां पर इपिप्लेमा और पेरिसाइकल, उसके बाद एक्टिविटी ऑफ द लिविंग सेल और द रूट, इनके बेसिस पर प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए हेल्प करती है, और ये प्रोसेस कंटिन्यू होती है स्टूडेंट, और कंटिन्यू होने की वजह से
हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो बढ़ता है और वही हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रूट प्रेशर के अंदर हमें दिखता है। अब यही रूट प्रेशर जो है वो वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए सपोर्ट करेगा और इसी प्रेशर की वजह से पेरिसाइक्लर हेलम से यहाँ पर स्टेम के अंदर वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस अभी यहाँ पर हमें देखिए तो वो एक्टिव प्रोसेस के अंदर आने वाली ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन है। उसके बाद नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन हमें दिया है वो कार्मेन एंड थीमन ने दी वाली है 1959 के अंदर। इसी प्रोसेस के अंदर हमें सीधा एक थ्योरी जो दी वाली है तो उससे पता चलता है वाटर एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट वाटर का एब्जॉर्प्शन चल रहा है और सच एब्जॉर्प्शन रिक्वायर एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो से जो एनर्जी मिलती है तो वो एनर्जी यहाँ पर यूज की जाती है। अब यहाँ पर डायरेक्टली एनर्जी यूज हो रही है, इससे पहले एनर्जी डायरेक्टली यूज नहीं हो रही थी, यहाँ पर एनर्जी डायरेक्टली यूज हो रही है। तो वहाँ पर पुअर सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन एंड रिटार्ड वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन भी वहाँ पर चलता है और ऑक्सीजन का पुअर सप्लाई वहाँ पर होता है। मोर ओवर लो टेम्परेचर, अभी देखो यहाँ पर टेम्परेचर कैसा है, लो है और लो टेम्परेचर रहने की वजह से वाटर अपटेक चलता है और वाटर अपटेक चलेगा तो रेस्पिरेशन रेट भी वहाँ पर हमें थोड़ा डिक्रीज हुआ हुआ नजर आता है। तो ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो चलेगी तो वो इनहिबिटर की प्रोसेस से चलेगी और अल्सो रिटार्ड द रेट ऑफ द रेस्पिरेशन, यानी कि जो मेटाबॉलिक रेट है वो भी कम हो जाएगा, इनहिबिटर्स की एक्टिविटी बढ़ जाएगी और रेस्पिरेशन रेट भी वहाँ पर कम होता है और वाटर एक्टिव प्रोसेस बढ़ जाती है। तो ये सिंपल सी बात हमारे नज़र में आती है। अब ये होने के बाद वाटर ट्रांसलोकेशन किस प्रकार से होता है, जो ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर है विद डिजॉल्व मिनरल्स, मिनरल उसके साथ डिजॉल्व है फ्रॉम रूट टू द एरियल पार्ट लाइक द स्टेम एंड लीव्स, वाटर को रूट से एरियल पार्ट तक ले जाना है अगेंस्ट द ग्रेविटी इज कॉल्ड एज द एसेंस ऐप, ग्रेविटी के अगेंस्ट वो वर्क चल रहा है तो उसे हम एसेंस ऐप कहेंगे। ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर्स ऑकर्स द ल्यूमेन एंड द कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ द साइलम ट्रकेट्स एंड द वेसल्स एंड ऑल वास्कुलर प्लांट्स, मीन जितने भी वास्कुलर कंटेंट है प्लांट के अंदर वो सब यहाँ पर ट्रांसलोकेशन को हेल्प करते। रेंजिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंट वॉज प्रूव that the xylem is a path of the ascent of the sap, तो ये experiment से prove किया है xylem ascent sap का path है। ठीक है, उसके बाद several mechanism theories हमको दिए वाले हैं, उन्हीं theories को explain करते हुए हमें mechanism को explain करते हुए water translocation का mechanism क्या है ये पता चलता है और जो theories है उन्हीं के अंदर vital force theory दिए वाली है, relay pump theory दिए वाली है, physical force theory दिए वाली है, root pressure theory दिए वाली है, ये हमें यहाँ पर डिटेल में देखना है। अब देखो रूट प्रेशर क्या है और थ्योरी वाइटल थ्योरी क्या होती है। अब इस थ्योरी के बेसिस पर जो लिविंग सेल है रूट से वो रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसलोकेशन करने के लिए वाटर के, हमें एक्सपेरिमेंट्स भी दिया था और जो एक्सपेरिमेंट दिया है वो जेफ क्रिस्टिली इन्हीं का है। उसी एक्सपेरिमेंटल थ्योरी से हमें पता चलता है कि जो स्टेम है वो स्टेम प्लांट का पॉटेड किया है और उसे कहाँ थोड़ा फ्यू इंचेस से कट किया था और फ्यू इंचेस से कट करने के बाद सॉइल जो है वहाँ से फ्लो ओजिंग आउट हमें दिखाई देती थी या फिर फ्लोइंग आउट हम उसे कहते हैं वो दिखाई देती है। जो कट एंड था वहाँ से हमें सीधा सीधा फ्लोइंग आउट दिखाई दे रही थी, तो वो एक सिंपल सा एग्जाम्पल था रूट प्रेशर का। देन वाटर एब्जॉर्ब बाय टू द रूट कॉन्स्टेंट एंड कंटिन्यूस प्रोसेस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज डेवलप्ड इन द लिविंग सेल्स ऑफ द कॉर्टेक्स रूट, जो भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप हो रहा है वो वहाँ पर कॉर्टेक्स सेल से रिलेटेड है और कॉर्टेक्स सेल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। दिस इज टर्म्ड बाय द रूट प्रेशर, इसे रूट प्रेशर हम बता सकते हैं। उसके बाद ये बताने का काम एस हेल्स करते हैं और इट इज ड्यू टू द रूट प्रेशर एंडिटी की अगेंस्ट भी इसका फ्लो चलता है, ये यहाँ पर सीधा सीधा बताया हमको। रूट प्रेशर जो है वो रूट प्रेशर हमें बताने के लिए ऑस्मोटिक फिनोमिना का एक्सपेरिमेंट वहाँ पर दिया है और ऑस्मोटिक फिनोमिना जो है इट्स डेवलपमेंट इज एंड द एक्टिव प्रोसेस एंड द वैल्यू ऑफ द रूट प्रेशर इज प्लस वन टू प्लस टू बार्स एंड विच इज इनफ टू अ पंप वाटर टू हाइट ऑफ 10 to 20 meters, मीन जो भी चल रहा है वो 10 to 20 meters चल रहा है वाटर को हाई करने के लिए या फिर वाटर ऊपर ले जाने के लिए। जो फैक्टर्स है स्टूडेंट इसी के ऊपर आप इफेक्ट करने वाले ऑक्सीजन है, मॉइस्चर है, टेम्परेचर है, सॉइल है, साल्ट है, कंटेंट जो सॉइल के अंदर है वो भी वहाँ पर इफेक्ट कर सकते हैं और रूट प्रेशर का इन्फ्लुएंसेस जो है वो भी वहाँ पर इफेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर हमें एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट दिया है और डेमोस्ट्रेट बताया एक्सपेरिमेंट्स का रूट
प्रेशर डेमोस्ट्रेट दिया है, ये स्टम्प है। उसके बाद कर्स स्टम्प यहाँ पर है। कर्स स्टम्प के बाद हमें पता है मैनोमीटर टू मेजर द एक्सुडेशन ऑफ द प्रेशर फ्रॉम द कर्स स्टम्प, यहाँ पर मैनोमीटर एडजस्ट किया और मैनोमीटर बताता है रूट प्रेशर कितना है। तो वहाँ पर मैनोमीटर और इधर के साइड में फाइनल लेवर और इनिशियल लेवर हमको दिया है। तो ये डायग्राम हम याद रखेंगे एग्जाम के लिए। अब इसके लिमिटेशंस क्या थे उसको हम ऑब्जेक्शंस कहेंगे रूट प्रेशर थ्योरी के। तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट वाला जो लिमिटेशन दिया है, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू प्लांट टॉलर देन 20 meters। उसके बाद एसेंट ऑफ द सैप कैन ऑल्सो ऑकर इवन इन द अब्सेंस ऑफ द रूट सिस्टम, मीन्स प्लांट जो एज रूट सिस्टम अब्सेंट है उसी प्लांट के अंदर एसेंट सब पॉसिबल नहीं होता है। उसके बाद रूट प्रेशर वैल्यू इज ऑलमोस्ट नियरली जीरो, कितनी है जीरो है इन टॉलर एंड जिम्नोस्पर्म टील्स। देन एक्टिवली ट्रांसपायरिंग प्लांट्स नो रूट प्रेशर इज डेवलप्ड, जो भी एक्टिवली ट्रांसपायरिंग प्लांट है उन्हीं के अंदर रूट प्रेशर डेवलप होने की चांसेस थोड़ा कम होते हैं। उसके बाद देखो जाइलम सैप अंडर टू द नॉर्मल कंडीशन इज अंडर टेंशन शो अ नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और प्रेशर ऑफ द हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर जाइलम सैप जो है वो नेगेटिव टेंशन कंडीशन में रहेगी या फिर नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के अंदर रहेंगे तो वहां पर पॉसिबल नहीं हो सकता है रूट प्रेशर। टू सम ऑफ द रूट प्रेशर इज नॉट द एंड सॉल्व अ मैकेनिज्म एक्सप्लेनिंग द एसेंट ऑफ द सैप इन ऑल प्लांट्स ऑफ द वेरिंग हाइट्स, जितने प्लांट्स हैं उनके हाइट के अनुसार ये थ्योरी वहां पर अप्लाई नहीं हो सकती, ये यहाँ पर हमने सीधा सीधा बताया है। ठीक है, अब देखो दूसरी बात कैपिलरी थ्योरी के बारे में हम डिस्कस करना है, उसे हम फिजिकल फोर्स थ्योरी कहेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी फिजिकल फोर्स एंड द डेड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द एसेंट सैप, यहाँ पर डेड सेल रिस्पॉन्सिबल है एसेंट सैप के लिए। और ये जो थ्योरी है ये बेहम इन्होंने हमें दी वाली है 1863 में। इस थ्योरी के अंदर क्या है, वीक डिप्ड इन टू द ऑयल लैम्प एंड कैपिलरीज ड्यू टू विच ऑयल इज राइज्ड अपवर्ड and the concentration of water in a straw dipped in a water is raised and to the concentration height because of the capillarity, means kya ho gaya ki jo dead cell hai wo water ko conduct kar sakte hai, agar hum usi cell ko ya fir usi xylem ko conduct karne ke liye hum oil ke andar ya fir water ke andar immerse karte hain to seedha seedha water wahan se absorb hota hua nazar aata hai aur wo ascent sap ki taraf badhte hue nazar aata hai, ye experiment se pata chalta hai। Conduction of water in a straw dip jaisa straw ka example yahan par liya hai aur height bhi wahan par badhti hui nazar aati hai, to kyunki wahan par capillarity hai hai। Uske baad the height to which water is raised dipped onto the diameter एंड इन टू द स्ट्रॉ के अंदर ये डायमीटर बढ़ी हुई नजर आती है। अब यहाँ पर कैपिलिटी जो दी है वो बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन की वजह से है। उसके बाद फोर्स ऑफ द कोहिजन, इसकी वजह से एडजन फोर्स की वजह से वो वहाँ पर पॉसिबल हो गया। उसके बाद झाइलम वेसल स्ट्रकिट्स ल्यूमेंस इज कंपेरेबल्स विथ स्ट्रॉ से कंपेयर किया है और वाटर कॉलम एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द कम्बाइंड कोहिजिव एडेसिव फोर्सेस ऑफ द वाटर झाइलम वॉल्स एंड ड्यू टू द कैपिलिटी, ये कैपिलिटी की वजह से पॉसिबल हो गया क्योंकि जो वाटर पार्टिकल्स थे जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो सीधा राइज हो रहे थे कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स की वजह से। ठीक है, और कंडक्शन जो है अपवर्ड वो बढ़ता है और अगेंस्ट टू द ग्रेविटी चलता है। ठीक है, ये यहाँ पर हमें फ्यू सेंटीमीटर के चेंजेस से पता चलता है। उसके कुछ लिमिटेशंस दिए हैं वहाँ पर देखो, कैपिलरी ट्यूब जैसा कि झाइलम मस्ट बी कंटिन्यूअसली एंड कम्प्लीटली हॉलो and form to the end of to the other end tracheids and the xylem show a closed end, ab yahan par tracheid aur xylem ka end close bataya hai, fir wahan par ye process possible nahi ho sakti। Lower end jo diya hai capillary tube ka xylem ka wo direct contact mein hai kiske soil water ke aur soil water ke contact mein rahega to wahan par bhi ye process thoda dikkat batati hai transport karne ke liye। Theek hai, uske baad narrower the capillary tube and greater is the height ऑफ विच वाटर कॉलम इज राइज, जो अगर हाइट ज़्यादा रहेगी तो वहाँ पर ये प्रोसेस उतनी पॉसिबल नहीं हो सकती है। इन टॉलर प्लांट के अंदर अगर हम देखेंगे तो झाइलम वेसल्स वेरी नैरो होते हैं और डायमीटर भी उनकी थोड़ी कम होती है, तो वहाँ पर नेचर का अगर हम सोचेंगे तो टॉल ट्रीज जो है वो ये प्रोसेस बताने के लिए थोड़ा
लेस कंडीशंस दिखाते हैं और वेसल्स हैविंग अ वाइडर रो। अभी वेसल्स का जो एरिया है वो बड़ा है लेकिन ट्रकेट का एरिया कम रहने की वजह से वहां पर ये प्रोसेस पॉसिबल होना थोड़ा दिक्कत है। ठीक है, उसके बाद देखो सीधा हमें कोहेसिव टेंशन थ्योरी बताना है, उसे हम ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी कहेंगे। ये प्रोसेस क्या है, ये वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है स्टूडेंट और इसे एसेंस ऑफ पॉसिबली एक्सप्लेन किया है। इसके अंदर ये जो थ्योरी थी इसे डिक्सन एंड जॉली 1894 के अंदर देते हैं और ये जो थ्योरी है ये बेस्ड ऑन टू द प्रिंसिपल, दो प्रिंसिपल के बेस के ऊपर वो डिपेंड है। इस थ्योरी में कोहेसिव एंड एडहेसिव दोनों का यहाँ पर क्या लिया है, इम्पोर्टेंट है। कोहेजन क्या है, एडिजन क्या है, ये भी यहाँ पर बताया है, तो उसी के बेसिस पर ये थ्योरी हमको बताना है, उसे ट्रांसपिरेशन पुल भी हम कहेंगे। तो अभी देखो यहाँ पर अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल कॉल्ड द कोहेसिव फोर्स और व्हाइल द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल एंड द लिग्निफाइड वॉल ऑफ द ल्यूमेन हाइलम इज कॉल्ड एज द एडिजिव फोर्स। ये दोनों प्रोसेस वहां पर हमको देखना है। अब यहाँ पर देखो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल अगर वाटर वाटर के अंदर एब्जॉर्प्शन रहेगा तो कोहेसिव रहेगा, वाटर को लिग्निन रहेगा तो एडहेसिव, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। ड्यू टू द कंबाइंड कोहेसिव ऑफ द एडहेसिव कंटिन्यूस वाटर कॉलम एंड डेवलप्ड द इन अ झाइलम एंड राइट फॉर्म ऑफ द रूट अप टू द टिप ऑफ द टॉप मोस्ट लीफ ऑफ द प्लांट्स। मीन्स कोहेसिव एडहेसिव फोर्स दोनों फोर्स अगर कंबाइन वर्क करेगा तो वाटर का मूवमेंट हो सकता है। तो ये ट्रांसपिरेशन पूल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अभी ट्रांसपिरेशन पूल क्या होता है, तो ट्रांसपिरेशन पूल क्या है कि ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ द वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, ये हमने बताया। अगर वाटर वेपर के फॉर्म में लॉस होते हैं तो सीधा सीधा वेसल्स जो है वाटर को जो ट्रांसपिरेशन हो गया तो उसी ट्रांसपिरेशन के बाद वेसल्स वाटर को एब्सॉर्ब करने के लिए, कंडक्ट करने के लिए या फिर अपवर्ड डायरेक्शन को मूव करने के लिए सपोर्ट करते हैं। अब देखो सिंपल सी बात है, स्टोमेटा से वाटर लॉस होता है। अब स्टोमेटा से वाटर लॉस हो रहा है तो यहाँ पर इधर के साइड से आने वाला वाटर है वो रूट की हेयर से आ रहा है, रूट हेयर से आने वाला वाटर यहाँ से लॉस हो रहा है। तो वाटर जब लॉस होता है तो उसे हम ट्रांसपिरेशन कहेंगे। अब जो ट्रांसपिरेशन की वजह से प्रेशर जनरेट हो गया उसे हम ट्रांसपिरेशन पूल कहेंगे और यही ट्रांसपिरेशन पूल क्या करता है, कंटिन्यूसली वाटर को एब्सॉर्ब करने के लिए हेल्प करता है। अब इसी के भी कुछ लिमिटेशन दिए हैं, ट्रांसपिरेशन पूल जो है ऑपरेट वाटर कॉलम एंड शुड बी अनब्रोकन एंड कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस प्रोसेस है, ये डे को ही चलती है और नाइट को भी चलेगी लेकिन गैस बबल फॉर्मेशन वहाँ पर होता है और इसकी वजह से वाटर ट्रांसपोर्टिंग ब्रेक होने के चांसेस होते हैं। ये मैकेनिज्म जो स्टूडेंट है, ट्रकेट्स आर मोर इफिशियंट देन द वेसल्स, यहाँ पर ट्रकेट्स के अंदर ज़्यादा होती है, वेसल्स के अंदर थोड़ा कम होती है क्योंकि वहाँ पर हमें जो वॉल सपोर्ट कर रहा है वो वाटर कंडक्शन के लिए वॉल सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वॉल ने सपोर्ट नहीं किया तो वहाँ पर ट्रांसपिरेशन पूल पॉसिबल नहीं हो जाएगा या फिर ट्रांसपिरेशन से वाटर कंडक्शन नहीं हो जाएगा। उसके बाद जो अनदर हमें लिमिटेशन दिए उसके अंदर देखो, इफ प्लांट इज स्मीट विथ अ वैसलीन इन ऑर्डर टू द स्टॉप ट्रांसपिरेशन, अगर प्लांट के ऊपर हमें कुछ कोट दिखते हैं, कुछ कवरिंग दिखते हैं जैसे कि वैसलीन कवरिंग हम उसे बोलेंगे, तो ट्रांसपिरेशन वहां पर स्टॉप हो सकता है और एसेंट ऑफ द स्टॉप वहां पर पॉसिबली नहीं दिखाई देगा। लेकिन कभी कभी प्लांट के अंदर ट्रांसपिरेशन नहीं होता है फिर भी एसेंट ऑफ सैप चलता है, तो ये वहाँ पर हमें लिमिटेशन दिखाई देता है। एसेंट ऑफ द सैप आल्सो ऑकर्स इन द डेसीडियस प्लांट्स एंड दैट हैव शेड ऑल देयर लीव्स, ठीक है, जो भी एसेंट सैप है वो डेसीडियस प्लांट के बारे में अगर हम सोचेंगे तो वहाँ पर लीव्स के ऊपर हमें शेड भी दिखाई देता है, तो वहाँ पर एसेंट ऑफ सैप किस प्रकार से होता है ये भी वहाँ पर लिमिटेशन के अंदर दिया है, ठीक है। तो इतने सारे कंडीशंस वहां पर हमको दिखते हैं। उसके बाद हमें ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स के बारे में देखना है। अब देखो स्टूडेंट, साइल के अंदर वाटर प्रेजेंट है और मिनरल भी प्रेजेंट है, दोनों को कंडक्ट करना, ट्रांसपोर्ट करना, ये हमें अभी यहाँ पर देखना है। जो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और जो भी अर्थ क्रस्ट के अंदर जो मिनरल्स प्रेजेंट है उन्हीं का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट के लाइफ के लिए। अब उन्हें प्लांट के अंदर एब्जॉर्ब करना ये सबसे फर्स्ट वाला वर्क रहेगा, तो सबसे फर्स्ट वाला वर्क है तो वो एब्जॉर्प्शन किस प्रकार से चलता है वो हमें यहाँ पर देखना है। जो एब्जॉर्प्शन चलेगा स्टूडेंट तो वो एब्जॉर्प्शन मिनरल का चलता है, वो एक्टिव प्रोसेस से चलता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ द मिनरल आर पुल्ड इनटू द अपवर्ड डायरेक्शन झाइलम सैप
एंड ट्रांसपीरेशन पुल, यहाँ पर देखो ट्रांसपीरेशन पुल रिस्पॉन्सिबल है, दिस कुड बी अंडरस्टूड व्हेन द असेंडिंग शाफ्ट एनालाइज्ड। जब हम इस एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन देख रहे थे तो उसी टाइम हम मिनरल्स के बारे में भी बात कर चुके हैं। अभी देखो यहाँ पर जो प्रोसेस चल रही है वो एसेंट ऑफ द शाफ्ट चल रही है। एसेंट ऑफ शाफ्ट ये प्रोसेस चलती है तो वहां पर मिनरल आयंस और प्लांट्स, इनके अंदर जो जो मिनरल आयंस है वो मिनरल आयंस वाटर के साथ मिक्स हुए वाले हैं, डिजोल्व हुए वाले, और वो वाटर के साथ सीधा एब्जॉर्ब होते हैं और वाटर के साथ सीधा एसेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मिनरल की रिक्वायरमेंट चलती है वो अपाइकल पोर्शन को चलती है, लैटरल को चलती है, यंग लीव्स को चलती है, फ्लावर्स को चलती है, फूड को चलती है, उसके बाद सीड्स को भी चलते हैं। तो इसी तरह से डिफरेंट डायरेक्शन में मिनरल की ट्रांसपोर्टेशन होना जरूरी होती है, यानी कि मल्टी डायरेक्शनल होना जरूरी होती है, मल्टी डायरेक्शनल। तो ये मल्टी डायरेक्शनल चलेगी लेकिन उसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए एसेंट ऑफ सैप जरूरी होता है, और यही एसेंट ऑफ सैप जो चलेगा तो वो डिफ्यूजन प्रोसेस भी चलेगा, इससे भी चलेगा, और उसे हम विक्सिनिटी ऑफ द सेल्स ये प्रोसेस में भी देख सकते हैं। सेल अपटेक करेगी मिनरल्स को और अपटेक करने के बाद जहाँ जहाँ इसका रिक्वायरमेंट है वहाँ पर उसे ट्रांसपोर्ट करेगी। ठीक है, तो वहाँ पर वो लीफ के अंदर जाएंगे, उसके बाद फ्रूट्स के अंदर या फिर प्लांट्स के डिफरेंट फ्लावर्स के अंदर भी जा सकते हैं, उसके अंदर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ये फ्लोएम से ट्रांसपोर्ट होते हैं स्टूडेंट। तो उसके बाद हमें देखना है फूड ट्रांसपोर्टेशन। फूड ट्रांसपोर्टेशन यानी कि फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन चलता है वो सोर्स टू सिंक चलता है। सोर्स यानी कि लीफ से फूड फॉर्म होते हैं और सिंक के अंदर स्टोर होते हैं। अब यहाँ पर जो फूड प्रोड्यूस हो रहे हैं उसी के लिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में फूड फॉर्म होते हैं और उसे ट्रांसलोकेट किया जाता है। अब फूड को ट्रांसलोकेट करने के लिए फ्लोएम का वर्क ज्यादा देने वाला है। फ्लोएम का वर्क जो चलता है तो फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब्स है, उसके बाद वेसल्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वेसल्स के सराउंडिंग में सीव ट्यूब्स दिखाई देते हैं और उनके बेसिस पे फूड का ट्रांसपोर्टेशन चलता है। फूड का ट्रांसपोर्टेशन मल्टी डायरेक्शनल होता है, और मल्टी डायरेक्शनल होने की वजह से हम वहाँ पर फ्लोएम का वर्क बता सकते हैं, और इसके लिए हमें कार्बन के आइसोटोप्स का एक्सपेरिमेंट दिया है, इसके बेसिस पर हम उसे प्रूव कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन है फ्लोएम की, उसके बाद मल्टीपल डायरेक्शन भी है, और जो डायरेक्शन चलती है तो कॉन्टेक्स्ट सेंस से हम बता सकते हैं, और वहाँ पर मेडुलरी वेज जो है स्टेम के अंदर वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो फूड फॉर्म हो गया वो सोर्स में हो गया, सोर्स यानी कि लीफ के अंदर हो गया, और लीफ के अंदर फॉर्म होने वाला फूड सीधा ट्रांसपोर्ट करना है हमें सिंक तक, यानी कि स्टोरिंग पार्ट तक, स्टोरिंग पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करना है तो उसे हम वर्टिकल और लैटरल डायरेक्शन से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। वर्टिकल और लैटरल डायरेक्शन से ट्रांसलोकेट हो रहा है स्टूडेंट, तो वर्टिकल यानी कि लॉन्जिट्यूडनल ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और जो लॉन्जिट्यूडनल ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो फूड जो डाउनवर्ड डायरेक्शन से यानी कि लीव्स से सीधा आते हैं सिंक तक, और सिंक में आने के बाद वहां पर स्टोर होते हैं। अभी फूड कभी कभी अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ भी बढ़ता है, उसके बाद फूड जर्मिनेशन सीड की तरफ भी बढ़ेगा, बल्बिक्स की तरफ बढ़ेगा, पॉन्स की तरफ बढ़ेगा, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट एरिया को फूड वहां पर सर्कुलेट होता है, और फूड स्टोर भी होता है, बल्बिल्स में भी होता है, सीड में भी होता है, फॉर्म में भी होता है। अपर डायरेक्शन से ट्रांसलोकेट होने वाला ये फूड है, उसके बाद लीव्स फ्रूट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, फूड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और लीव्स को खुद को भी डेवलप करने के लिए फूड की जरूरत होती है, तो वो ग्रोइंग पार्ट तक भी वहाँ पर फूड ट्रांसलोकेट होता है, यानी कि लीव के अंदर भी फूड ट्रांसपोर्ट होता है। इसलिए फूड की ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी या फिर डायरेक्शन है वो मल्टी डायरेक्शन है। यहाँ पर देखो सीव ट्यूब्स और ये सीव एलिमेंट्स दिया है, उसके बाजू में कंपेनियन सेल्स दिए हैं, अंदर के साइड में सीव ट्यूब का एरिया दिया है, साइटोप्लाज्म होता है, और दोनों ट्यूब के अंदर इस तरह से सीव प्लेट होते हैं, तो ये ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड बनता है। अब फूड का जो ट्रांसलोकेशन है स्टूडेंट, तो ये लैटरल डायरेक्शन से भी है, और बाई डायरेक्शनल से भी है, और मल्टी डायरेक्शन से भी होता है। अब ये जो मैकेनिज्म है ये किस प्रकार से चलेगा, जो मैकेनिज्म चलेगा स्टूडेंट वो मल्टी डायरेक्शन से चलेगा। ठीक है, थोड़ी देर में अब ये पोर्शन हम कंप्लीट करेंगे। टाइम करो थ्रू फ्लोएम, फ्लोएम के थ्रू किस प्रकार से शुगर का ट्रांसपोर्टेशन चलता है ये हमें देखना है। यहाँ पर हमें सेवरल थ्योरीज दिए वाले हैं, मैकेनिज्म्स दिए वाले हैं, जैसा कि डिफ्यूजन है, एक्टिविटी डिफ्यूजन है, प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग है, उसके बाद प्रोस्ट्रीमिंग है, प्रेशर फ्लो है, और इस प्रकार के डिफरेंट टाइप्स के हमें वहाँ पर थेरीज और मैकेनिज्म दिए वाले।
मोस्ट ऑफ द कन्विंसिंग थ्योरी इज अ मंच प्रेशर फ्लो थ्योरी, या फिर उसे हम मास फ्लो हाइपोथेसिस कहेंगे। तो ये थ्योरी हमें यहाँ पर डिटेल में देखना है। अब देखो मंच यानी कि अर्नेस्ट मंच हमें क्या करते हैं, इस थ्योरी के बारे में बताते हैं। फोटोसिंथेटिक सेल सिंथेसाइज द ग्लूकोज, जो सेल है फोटोसिंथेटिक वो ग्लूकोज सिंथेसाइज करते हैं, और ग्लूकोज सिंथेसाइज करने वाले सेल जो है इसी का ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, इंक्रीज होता है, और यहाँ पर एंडोऑस्मोसिस होता है। स्टूडेंट एंडोऑस्मोसिस होने की वजह से जो वाटर है सराउंडिंग में वो सेल्स एंड साइलम एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एब्जॉर्ब करने की वजह से वहाँ पर टर्जिडिटी बढ़ती है। अब टर्जिडिटी बढ़ गई तो टर्गर प्रेशर भी बढ़ जाएगा, और वहाँ पर शुगर जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से सेल्स जो है उसे उसी शुगर फ्रॉम टू द फोटोसिंथेसिस सेल्स इज फोर्स्ड अल्टीमेटली इनटू द सीव ट्यूब इन द वेंस। अभी जो भी है वहाँ पर शुगर वो सीधा क्या होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से फॉर्म होने वाली सेल के अंदर आती है, और सेल के अंदर रहने वाली शुगर सीव ट्यूब के अंदर हमें दिखाई देती है। उसके बाद दिस इज द कॉल्ड लीडिंग वेंस, उसे हम लीडिंग वेंस कहेंगे, यानी कि शुगर वेंस के अंदर आ रही है। एट द सिंक एंड रूट सेल यूटिलाइज शुगर एंड ऑल्सो पॉलीमराइजेस एक्सेस शुगर इनटू द स्टार्च, जो शुगर है वो स्टार्च के अंदर दिखाई देती है, और ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन लोड होता है, और एक्सोस्मोसिस वहाँ पर कंप्लीट होता है। वाटर इन द रूट सेल्स इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग सेल्स एंड देयर बाय द डिक्रीज इन द टर्जिडिटी ऑफ सेल्स, और उसकी वजह से सेल्स की टर्जिडिटी वहाँ पर डिक्रीज होती है। अब टर्जिडिटी डिक्रीज हो गई तो टर्गर प्रेशर जो ग्रेडियंट है वो डेवलप हो जाएगा, और सीव ट्यूब का और सीव ट्यूब जो है लीप टू रूट सेल्स जो उनका पूरा टर्गर प्रेशर वहाँ पर क्या होता है टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट वहाँ पर डेवलप होता है, कहाँ से रूट से लेकर लीफ तक। उसके बाद फूड इज ट्रांसलोकेट अलॉन्ग टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पैसिवली, अब वहाँ पर पैसिवली फूड ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। दिस इज द वेन अनलोडिंग, उसे हम वेन अनलोडिंग कहेंगे। एट द सिंक एंड शुगर इज यूज एंड द एक्सेस वाटर एक्स्यूड्स इन टू द सेल्स, जो एक्सेस वाटर है वो सेल्स के अंदर एक्स्यूड्स हो जाएगा। अब मेन ऑब्जेक्शन क्या है इस थेरी का, मैकेनिज्म डज नॉट एक्सप्लेन बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट फूड, बाय डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट फूड का मैकेनिज्म यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया। मोर ओवर द अकॉर्डिंग टू द मंच प्रेशर फ्लो इज पुअरली अ फिजिकल प्रोसेस, वहाँ पर फिजिकल प्रोसेस जो है वो पुअरली बताई गई है। अब ये होने के बाद हमें और एक इम्पॉर्टेंट बात देखना है, वो है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन का मतलब क्या होता है, प्लांट एब्जॉर्ब वाटर कॉन्स्टेंटली एंड कंटिन्यूसली हार्डली 5% ऑफ द टोटल वाटर एब्जॉर्ब बाय टू द रूट एंड इज अ utilized for the cell expansions and the plant growth, remaining 95% water become a surplus which is then lost into the atmosphere through the its aerial parts. Hardly 1% of the surplus water is lost in the form of liquid and 99% surplus of the water is lost in the form of the vapor. This is का मतलब होगा plant जो water loss करते हैं वो vapor के form में करते हैं, और ये aerial parts से होता है student, उसे हम transpiration कहेंगे। तो 99% जो water loss होता है vapor के form में होता है, ठीक है। अब इसके लिए हमें एक सिंपल सी बात यहाँ पर दी है, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, अगर लिक्विड के फॉर्म में हो रहा है तो उसे हम गटेशन कहेंगे, कॉल्ड एज द गटेशन, और वेपर के फॉर्म में हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसपीरेशन। अब गटेशन होने वाला जो स्ट्रक्चर होता है, ट्रांसपीरेशन के लिए स्टोमेटा होते हैं और गटेशन के लिए हाइड्राथोड्स होते हैं, यानी कि हाइड्राथोड्स विच इज द स्ट्रक्चर डेवलप ऑन द लीव्स या फिर एरियल पार्ट, जो वाटर लॉस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मीन्स लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, तो वो गटेशन बन गया। अगर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में वाटर लॉस हो रहा है तो उसी के लिए हाइड्राथ्रो स्ट्रक्चर होता है, और ट्रांसपीरेशन के लिए वाटर लॉस करना है तो वहाँ पर स्टोमेटा होते हैं। अब देखो ट्रांसपीरेशन जो होता है वो लीव्स से होता है, स्टेम से होता है, फ्लावर से होता है, फ्रूट से भी होता है, ठीक है। तो इसी तरह से ट्रांसपीरेशन वहाँ पर चलता है। अगर ट्रांसपीरेशन प्रोसेस जो है ये मोस्ट ऑफ द ट्रांसपीरेशन ऑकर्स थ्रू द लीव्स, ज्यादातर लीव्स से होता है, तो इसलिए उसे हम फॉलियर ट्रांसपीरेशन कह सकते हैं। द एक्चुअल वाटर लॉस ड्यूरिंग टू द ट्रांसपीरेशन ऑकर्स थ्रू द थ्री मेन साइट्स, अभी यहाँ पर थ्री मेन साइट्स है जहाँ पर वाटर लॉस होने के चांसेस होते हैं या फिर ट्रांसपीरेशन होने के चांसेस होते हैं। अभी देखो क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन होता है, स्टोमेटल होता है और लेंटिकुलर होता है। क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन क्या है, स्टोमेटल क्या है और लेंटिकुलर क्या है। अब यहाँ पर जो हमें स्ट्रक्चर और डायग्राम दिया है तो लीप से वाटर लॉस हो रहा है, ठीक है। वाटर सीधा सीधा यहाँ से आ रहा है, ऊपर उठाया जा रहा है, उसे हम वेन
कैरिंग वाटर कहेंगे इनटू द लीव्स, लीव्स के अंदर आ रहा है ये वाटर, वेन कैरिंग हो गया, और वाटर अपवर्ड डायरेक्शन से जा रहा है तो वो स्टेम वाटर हो गया। अब देखो रूट्स के पास से आने वाला वाटर जो था वो सॉइल वाटर था, यानी कि वाटर की डायरेक्शन हमें पता चली है, रूट, रूट टू स्टेम, स्टेम टू लीव्स, और लीव्स से पहले वो वेन, और वेन से लीव्स, ठीक है, और उसके बाद स्टोमेटा के थ्रू वेपर के फॉर्म में एटमॉस्फेयर, तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसपिरेशन। अब जो ट्रांसपिरेशन का फर्स्ट पॉइंट हमें दिया था वो है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन क्या है, तो क्यूटिकल इज अ लेयर ऑफ द वैक्सी सब्सटेंस क्यूटीन एंड प्रेजेंट आउटर सर्फेस ऑफ द एपिडर्मल सेल वॉल ऑफ द लीव्स एंड द स्टेम। देन क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन ऑकर्स बाय द सिंपल डिफ्यूजन, कॉन्ट्रीब्यूट्स 8-10% ऑफ द टोटल ट्रांसपिरेशन ऑफ द वाटर। अब देखो यहाँ पर 8-10% ये हमें याद रखना है। उसके बाद जो क्यूटिकल से ट्रांसपिरेशन चलता है तो वहां पर क्यूटीन सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, अगर उन्हीं का लेयर कम रहेगा तो ट्रांसपिरेशन रेट ज्यादा रहेगा, ठीक है। क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन जो है वो 8-10% होता है, ये हमें याद रखना है। क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन ऑकर्स थ्रू द डे एंड रेट इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ द क्यूटिकल। जितना थिकनेस ज्यादा है उसी से यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल इसका रेट रहेगा, ये डे को ज्यादा कंप्लीट होने वाली प्रोसेस है। उसके बाद लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन क्या है, लेंटिकुलर आर द स्मॉल राइज स्ट्रक्चर एंड कंपोज ऑफ द लूजली अरेंज्ड कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स एंड विच लेंटी सेल्स इज अ पोरस टिश्यू एंड कंसिस्टिंग ऑफ द सेल्स थ्रू द लार्ज इंट्रासेलुलर स्पेस और द पेरिडक्ट। सिंपल सी बात है स्टूडेंट, यहाँ पर अगर सेल्स लेंटी सेल्स प्रेजेंट है तो लेंटी सेल्स से ट्रांसपिरेशन होता है, लेकिन लेंटी सेल्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जनरली लेंटी सेल्स स्टेम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और ये सेल्स क्या करते हैं तो गैसेस एक्सचेंज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो वाटर है उसको वेपर के फॉर्म में लॉस करते हैं, और ऊडी स्टेम के पास ये प्रेजेंट होते हैं, रूट रीजन में भी प्रेजेंट होते हैं, डाइकोटिलेडन्स प्लांट में, फ्लावरिंग प्लांट में होते हैं, तो ये लेंटी सेल्स जनरली बार्क एरिया पे हमें दिखाई देते हैं। इसी बार्क एरिया से नियर अबाउट 0.1-1% वाटर लॉस होता है ट्रांसपिरेशन रेट के, ठीक है। ये यहाँ पर लेंटी सेल का स्ट्रक्चर हमें दिया है, इसे लेंटिकुलर पोर भी हम कहेंगे, और लूज कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स वहाँ पर प्रेजेंट है। लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, ये स्लो प्रोसेस है, इट ऑल्सो अकर्स थ्रू आउट द डे को ही कंप्लीट होती है। अब स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन हमें डिटेल में देखना है, जो एग्जाम में पूछने के चांसेस है। अब देखो स्टूडेंट, ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है। अब स्टोमेटा जब डे टाइम को ओपन रहते हैं तो स्टोमेटा से वाटर लॉस होता है। अब यहाँ पर हमें स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन दिया है, तो स्टोमेटा आर द माइन्यूट पोर्स फॉर्म्ड टू गार्ड सेल्स एंड एसेसरी सेल्स एंड दे आर लोकेटेड इन द एपिडर्म ऑफ द यंग स्टेम लीव्स। लीव जनरली शोज द मोर नंबर ऑफ द स्टोमेटा ऑन द लोअर सर्फेस डिपेंडिंग ऑन द अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टोमेटा ऑन द लीव्स एंड द लीव्स आर द कैटेगराइज्ड इनटू द थ्री टाइप्स ऑफ द नेमली एपिस्टोमिक अपवर्ड एपिडर्मिस को ज्यादा स्टोमेटा होते हैं उसे हम हाइड्रोफाइटिक्स प्लांट के अंदर देखते हैं, जैसा लोटस हाइपोस्टोमिक लोअर साइड को स्टोमेटा होते हैं उसे हम जीरोफाइट्स के अंदर देखते हैं, नीरम एग्जांपल है उसका। उसके बाद एम्पिस्टोमिक दोनों साइड से स्टोमेटा होते हैं, एग्जांपल है ग्रास मेसोफाइट्स। तो ये स्टोमेटा के टाइप्स हमको वहां पर दिए वाले हैं, जो स्टोमेटा कहाँ पर प्रेजेंट है उसके बेसिस पर हम लीफ बता सकते हैं, यानी कि हमें लीफ के टाइप वहां पर दिखाई देते हैं। जो लीफ होता है जिसके अपर सरफेस को स्टोमेटा होते हैं तो उसी हम एपिस्टोमेटिक लीफ कहेंगे, नीचे के सरफेस पर होते हैं तो उसे हम हाइपोस्टोमेटिक कहेंगे, दोनों साइड से होते हैं तो एपिस्टोमेटिक हम कहेंगे, इसके एग्जांपल हम याद रखने वाले हैं। अब देखो ट्रांसपिरेशन जो ऑकर होता है वो डेसर्ट प्लांट के अंदर ज्यादा दिखाई देता है, 90-93% तक टोटल ट्रांसपिरेशन होता है और ये डे टाइम में कंप्लीट होता है। अब देखो स्टोमेटल स्ट्रक्चर हमको देखना है, स्टोमेटल स्ट्रक्चर क्या होता है, टिपिकल स्ट्रक्चर, सबसे फर्स्ट हमें गार्ड सेल दिए वाले हैं अंदर के साइड को, ये ग्रीन कलर के, इसके अंदर गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट भी है। उसके बाद स्टोमेटल पोर जो ये ओपनिंग है ये, उसके बाद न्यूक्लियस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और इनर वॉल जो है वो थीक है, और बाहर के साइड को हमें सब्सिडरी सेल्स दिखाई देते हैं, और फाइनली एपिडर्मल सेल्स है। सब्सिडरी सेल्स जो है वहां से आयन एक्सचेंज होते हैं, और ये आयन सीधा गार्ड सेल के अंदर जाते हैं, और गार्ड सेल से फिर सब्सिडरी सेल्स के अंदर आते हैं, इसे हम गैसेस एक्सचेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल लेते हैं। अब रिस्पॉन्सिबल इसे हम समझते हैं तो गैसेस एक्सचेंज करने के लिए ये कैसे रिस्पॉन्सिबल, देखो सेल स्टूडेंट कि सीधा
सीधा गैसेस एक्सचेंज करने के लिए स्टोमेटल पोर ओपन होना जरूरी है, और इसे ओपन करने के लिए गार्ड सेल को टर्जिड करना पड़ता है। गार्ड सेल को अगर टर्जिड करना है तो पोटेशियम आयन्स जो सब्सिडरी सेल से इधर ट्रांसपोर्ट होते हैं, सेल टर्जिड होती है, उसके बाद पोटेशियम आयन इधर चले गए तो सेल एसिड हो गई, एसिड होने के बाद ये पोर बंद हो जाता है, और ये बंद होने के बाद गैसेस एक्सचेंज स्टॉप होता है। तो ये रिस्पॉन्सिबल स्ट्रक्चर है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अभी यहाँ पर डाइकॉट के अंदर जो स्टोमेटा है उसे हम कहेंगे बीन सेप स्टोमेटा, और जो स्टोमेटा मोनोकॉट के अंदर है वो है डंबल सेप स्टोमेटा। तो ये स्ट्रक्चर वहाँ पर होता है। स्टोमेटा जब क्लोज होते हैं स्टूडेंट तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है, जब ओपन होते हैं तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। तो ये बन गया स्टोमेटा के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। अब सिंपल सी बात है स्टूडेंट, आगे चलते हैं। अब देखो जो भी स्टोमेटा स्ट्रक्चर हमें ओपन और क्लोज दिखते हैं, तो ग्रासेस के अंदर डंबल शेप स्टोमेटा होता है, ये एग्जाम में पूछे वाला है, ठीक है। उसके बाद किडनी शेप स्टोमेटा जो है वो डाइकोट प्लांट के अंदर होता है, डाइकोट लीफ के अंदर होता है। एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले सकते हैं काइपरस, जो बहुत किडनी शेप्ड एंड डंबल शेप्ड स्टोमेटा बताते हैं, गार्ड सेल वहां पर बताते हैं इन्हीं प्लांट के अंदर। गार्ड सेल जो है वो लिविंग है, न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं, और इवेंचुअली थिक वॉल्ड स्टूडेंट, इनर वॉल जो है उन्हीं की थिक है। गार्ड सेल्स थिक रहने की वजह से इन इलास्टिक, और लैटरल वॉल जो है वो इलास्टिक होते हैं। गार्ड सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है। गार्ड सेल्स के अंदर एबिलिटी है साइज चेंज करने की और स्टोमेटा को ओपन एंड क्लोज करने की। अब स्टोमा क्या है, तो स्टोमेटा के अंदर प्रेजेंट रहने वाला स्टोमा यानी कि इलिप्टिकल पोर है, जो स्पेसिफिक अरेंजमेंट से गार्ड सेल के अंदर फॉर्म होता है, और यही स्टोमेटा वाटर लॉस करने के लिए, वेपर लॉस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एसेसरी सेल्स के अंदर हमें स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल दिखाई देते हैं जो सराउंडिंग होते हैं गार्ड सेल के, और जो नंबर है वेरिएबल्स वो रिसर्वाइवर वहाँ पर हमें पोटेशियम आयन्स का दिखाते हैं, यानी कि एसेसरी सेल से पोटेशियम आयन का वहाँ पर एक्सपोर्टिंग और इम्पोर्टिंग चलता है। जो पोटेशियम आयन एक सेल से दूसरे सेल के अंदर जाते हैं, दूसरे सेल से पहले सेल के अंदर आते हैं, तो उसी की वजह से स्टोमेटा ओपन और क्लोज होते हैं, तो वो सब्सिडरी सेल का वर्क वहाँ पर हमें बताते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा, इसी का जो मैकेनिज्म दिया है स्टूडेंट, तो ये मैकेनिज्म सिंपल सा है। इसके अंदर देखो क्या दिया हमको, तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज कंट्रोल बाय द टर्गर ऑफ द गार्ड सेल, गार्ड सेल के टर्गर के ऊपर वो डिपेंड है। ड्यूरिंग अ डे टाइम गार्ड सेल्स बिकम अ टर्जिड एंडोस्मोसिस, एंडोस्मोसिस होकर गार्ड सेल टर्जिड होते हैं, और प्रेशर एग्जर्ट होने की वजह से थिन वॉल जो है गार्ड सेल की वो थोड़ा वहाँ पर डाइवर्ट होती है, या फिर वो मूव होती है आउटसाइड को, तो उसी की वजह से इलास्टिक नेचर क्रिएट होता है, और जो थिन वॉल है वो स्ट्रेच आउट होने की वजह से स्टोमेटा ओपन होते हैं, ठीक है। जो किडनी शेप्ड और डंबल शेप्ड स्टोमेटा है, जो इनर थिक वॉल जो है वो पुल आउट करने के बाद ओपन होते हैं ड्यूरिंग डे टाइम, और जब फ्लैसिड होते हैं तो नाइट टाइम को वो क्लोज भी होते हैं। गार्ड सेल बिकम अ फ्लैसिड ड्यू टू द एक्सोस्मोसिस, और फ्लैसिड क्लोज टू द स्टोमेटा कंप्लीटली। एंडोस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस ऑकर्स ड्यू टू द डाइयूरल चेंजेस ऑफ द ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ द गार्ड सेल। गार्ड सेल के अंदर जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है उसी के बेसिस पर ये वर्क चलता है, और जो स्टोमेटा है वो ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं। यहाँ पर डिफरेंट थेरीज दिए हैं जो थेरी प्रपोज करते हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल को, और इसी थेरी की वजह से हम बता सकते हैं स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्जन थेरी क्या है। अब देखो स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्जन थेरी जो 1964 को स्टेवर्स इन्होंने हमें दी थी, ड्यूरिंग डे टाइम एंजाइम फॉस्फोराइलेज कन्वर्ट्स स्टार्च टू शुगर, जो एंजाइम है फॉस्फोराइलेज वो क्या करता है स्टार्च को शुगर के अंदर कन्वर्ट करता है, और देन इंक्रीजिंग द ऑस्मोटिक पोटेंशियल, उसकी वजह से पोटेंशियल जो है ऑस्मोटिक इंक्रीज होता है गार्ड सेल का, और देन स्टूडेंट कॉजिंग द एंट्री ऑफ द वॉटर देयर बाय गार्ड सेल्स एंड आर द स्ट्रेच एंड स्टोमा वायरस, उसके वजह से स्टोमा वायरस होते हैं, एंड देन रिवर्स रिएक्शन ऑकर्स नाइट एंड ब्रिंग द क्लोजर ऑफ द स्टोमेटा, यही रिएक्शन फिर से होती है नाइट को। अब देखो स्टार्च है, स्टार्च का कन्वर्जन हो रहा है फॉस्फोराइलेज की वजह से शुगर के अंदर, और उसी की वजह से स्टोमेटा ओपन हो रहे हैं, और यही प्रोसेस रिवर्स होती है तो स्टोमेटा क्लोज होते हैं, ये सिंपल सी बात वहाँ पर हमको पता चलती है। अब इसी थेरी की वजह से क्या होता है, प्रोटॉन ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये लेविट
1974 में बताते हैं, स्टोमेटल मोमेंट ऑकर्स ड्यू टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ द फोटॉन्स H+ और द K+ आयंस ड्यूरिंग टू द डे टाइम एंड द स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू द मैलिक एसिड और द मैलिक एसिड डिसोसिएट टू फॉर्म द मैलेट एंड द प्रोटॉन्स। जो मैलिक एसिड है वो पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन की वजह से सीधा सीधा मैलेट के अंदर कन्वर्ट होता है और मैलेट के अंदर कन्वर्ट होने की वजह से सब्सिडरी सेल्स क्या करते हैं, पोटेशियम आयन को मूव करते हैं। पोटेशियम आयन मूव हो गया तो वहां पर मैलेट जो फॉर्म हो चुका है उसी की वजह से ऑस्मोलरिटी इंक्रीज होती है और एंडोऑस्मोसिस कंप्लीट होता है। एंडोऑस्मोसिस जो है उसकी वजह से जो पोटेशियम आयन ऑलवेज अकंपनीड रहता है क्लोरीन आयन से और नाइट के टाइम में फिर जो है यही प्रोसेस रिवर्स होने की वजह से स्टोमेटा क्लोज हो सकते हैं। देन अपटेक ऑफ द पोटेशियम आयन द क्लोरीन आयन्स इज द प्रिवेंटेड बाय द एब्सेसिक एसिड एंड द चेंजिंग द परमियाबिलिटी एंड द गार्ड सेल ड्यू टू दिस गार्ड सेल्स बिकम अ हाइपोटोनिक एंड देयर बाय द बिकम अ फ्लैसिड और ड्यू टू विच द स्टोमेटा गेट क्लोज्ड। उसके बाद स्टोमेटा क्लोज होते हैं। अब सिग्निफिकेंस देखना है हमें ट्रांसपिरेशन के, इसके क्या एडवांटेजेस है। इट रिमूव एक्सेस ऑफ द वाटर, एक्सेस वाटर रिमूव करता है, इट रिमूव द एक्सेस वाटर, वाटर एक्सेस रिमूव करेगा। इट हेल्प टू द पैसिव एब्जॉर्प्शन, पैसिव एब्जॉर्प्शन को हेल्प करेगा ऑफ द वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन के लिए। उसके बाद इट हेल्प टू द एसेंट ऑफ द सैप। देन स्टोमेटा आर ओपन गैसेस एक्सचेंज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इज फैसिलिटेटेड। इट मेंटेन द टर्गर ऑफ द सेल्स, सेल्स की टर्गर के मेंटेन करेगा। ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन टू द रिड्यूसिंग द टेम्परेचर ऑफ द लीफ, लीफ का टेम्परेचर रिड्यूस करने के लिए हेल्प करेगा एंड इम्पोर्टिंग टू द कूलिंग इफेक्ट, कूलिंग इफेक्ट वहाँ पर लाएगा। डिसएडवांटेजेस क्या है, एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन अगर हो जाएगा तो विल्टिंग आ सकती है प्लांट के अंदर, इंजुरीज हो सकती है प्लांट को और प्लांट की डेथ भी हो सकती है। ट्रांसपिरेशन इज अ नेसेसरी इविल, एक नेसेसरी इविल है। अगर स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन अकर हो जाएगा या फिर स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कंप्लीट हो जाएगा या फिर होता है रेगुलर डे टाइम को, तो वहाँ पर ट्रांसपिरेशन पूल भी होता है, एक्सेस वाटर जो लॉस होता है और एक्सेस वाटर लॉस होने की वजह से जो रिक्वायर वाटर है वो एब्जॉर्ब होने के लिए चांस मिलता है। तो ये ड्यूरिंग डे टाइम में होता है। व्हेन द स्टोमेटा आर ओपन देन ओनली द गैसेस एक्सचेंज नीडेड फॉर द रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन प्रोसेस चलती है उसके लिए गैसेस एक्सचेंज होना इसी के ऊपर डिपेंड होता है। फोटोसिंथेसिस भी पॉसिबल होता है और स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन स्टॉप होने के बाद इट विल बी डायरेक्टली ऑफ अफेक्टेड प्रोडक्टिविटी ऑफ द प्लांट थ्रू द लॉस ऑफ द फोटोसिंथेटिक एंड द रेस्पिरेटरी एक्टिविटी। अगर फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी स्टॉप हो गए, रेस्पिरेटरी एक्टिविटी स्टॉप हो गए तो सीधा सीधा प्लांट की डेथ हो सकती है ये ट्रांसपिरेशन प्रोसेस अगर प्रॉपरली नहीं होती है तो इसलिए ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होना जरूरी होता है। हेंस द प्रोडक्टिविटी स्टोमेटा मस्ट रिमेन ओपन एंड द कॉन्सिक्वेंटली ट्रांसपिरेशन कैन नॉट बी अवॉइडेड, इसलिए ट्रांसपिरेशन वहाँ पर अवॉइडेड नहीं होता। हेंस Proteus 1926 regarded transpiration is a necessary evil, ये हमें